Hello friends, good morning. Welcome back. Let's continue our discussion on unit number 5, that is developmental biology. Today we are going to discuss about the two important topics. First we will discuss about the Eiling's induction and then we will discuss about the Dictyostelium discoidum. But before moving to the today's discussion, let me revise what we discussed in the last lecture in short. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वल्वा फॉर्मेशन इन सी लिगन्स. दिस वल्वा फॉर्मेशन इन सी लिगन इज अ बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड थ्री मेजर कॉन्सेप्ट्स. और हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है व्हाट इज मीन बाय इंडक्शन, इंडक्शन क्या होता है. सेकंड वी टॉक्ड अबाउट लैटरल inhibition, and the third thing that we talked about is the competence. So in teen concepts ko humne last lecture mein discuss kiya hai with the best example in the developmental biology, that is vulva formation in sea lions. आज हम दो अलग अलग टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं. मेनली फर्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आइलेंस इंडक्शन, जो एक बेस्ट एग्जांपल है. अगेन कॉम्पिटेंस इंडक्शन का एक बेस्ट एग्जांपल है बिकॉज आइलेंस इंडक्शन इज एन आउटपुट ऑफ सीरीज ऑफ इंडक्शन प्रोसेसेस. मल्टीपल इंडक्शन प्रोसेस लीड टू द आइलेंस फॉर्मेशन और आइस डेवलपमेंट. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिक्टियोस्टेलियम डिस्कॉइडम, जो एक यूनिसेल्युलर मेगामीबा है या अमीबा है, सॉइल में रहने वाला एक स्लाइम मोल्ड है जिसे हम एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं फॉर द स्टडी ऑफ यूनिसेल्युलर टू मल्टी सेल्युलर ट्रांजिशंस. सो विल कम बैक टू दिस पार्ट बिफोर मूविंग और बिफोर टॉकिंग अबाउट द डिक्टियोस्टेलियम डिस्कॉइडम. विल डिस्कस अबाउट द आइलेंस इंडक्शन और आइस डेवलपमेंट प्रोसेस. उसमें भी हम सिर्फ आइलेंस इंडक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू द टुडेज डिस्कशन, दैट इज आइलेंस इंडक्शन इन द मेनली वर्टिब्रेट्स. कोई भी ऑर्गन जैसे आईज एक पर्टिकुलर ऑर्गन है जो विजुअल सेंसेशंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है. सो इट कैन पिक अप द डिफरेंट टाइप ऑफ विजुअल सेंसेशंस एंड क्रिएट अ इमेज बाय सेंडिंग द सिग्नल टू द ब्रेन. सो आईज दे आर हैविंग द मेजर फंक्शन. दे हैव टू कलेक्ट द लाइट विच इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सर्फेसेस एंड थ्रू द न्यूरॉन्स of the optic nerve, they send this light sensations to the brain where actually the image is created, where the identification of particular object is done. So in order to understand the eyes development samajhne ke liye, firstly aapko eyes mein kya components hote hain ye pata hona zaruri hai. So before moving to the eyes development, just in short, let me tell you what kind of components are there in the eyes. Eyes में जो भी components है, एक तो ectoderm के origin से obtain किए जाते हैं या mesodermal origin से obtain किए जाते हैं. germinal layer में ectoderm, mesoderm से obtain किए जाने वाले components है. जैसे eyes में major जो outermost part होता है, so this is the outermost part called as sclera. This is the outermost part called as sclera. उसके बाद उसके internal side में जो structure present है, this is the structure which is present, is called as the choroid. उसके beneath जो layer होता है, इसे choroid कहा जाता है. और just beneath the choroid, there is a retina, जिसमें neural retina है, जिसमें pigmented retina है. So this part, ये जो part है यहाँ पर, ये रेटिना का पार्ट है जिसमें फोटोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें अलग अलग न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, कुछ सेंसरी सेल्स है जिसे फोटोरिसेप्टर्स कहा जाता है. सो दिस इज द रेटिना व्हिच कैरी डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोरिसेप्टर्स एंड न्यूरॉन्स. यहाँ पर एक पॉइंट है जहां पर एक्चुअली लाइट कलेक्ट कर प्रोसेसिंग की जाती है और न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन को सेंड किया जाता है. दिस इज द फोविया वेयर द लाइट कलेक्शन आकर दैट विल डिस्कस हाउ दिस फोविया वर्क और रेटिना वर्क इन द एनिमल फिजियोलॉजी. रेटिना के साथ और कुछ सेल्स है, सीलियरी बॉडीज है. सीलियरी बॉडीज दे एक्चुअली होल्ड
लेंस इन द आईज विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट्स, दीज आर दी सस्पेंसरी लिगामेंट्स, दे होल्ड द लेंस हेयर, दिस इज द लेंस। लेंस के बाहर जो स्ट्रक्चर होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर विच इज नोन एज द आयरिस। यह जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दिस इज द स्ट्रक्चर विच इज शोन हियर, दिस इज द पार्ट ऑफ द आयरिस। और यहाँ पर एक स्मॉल स्ट्रक्चर दिखाई देता है, दिस इज द स्ट्रक्चर विच इज नोन एज प्यूपिल। उसके बाद आउटर मोस्ट जो लेयर होता है, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर कॉल्ड एज कॉर्निया। सो इसमें हम मेजर जो कंपोनेंट डिस्कस करने जा रहे हैं डेवलपमेंट के दौरान, आईज में मेजर कंपोनेंट होता है लेंस और कॉर्निया, जो दोनों मिलकर एक कंपाउंड लेंस सिस्टम बनाते हैं। एंड दिस कंपाउंड लेंस सिस्टम कलेक्ट द लाइट, सो लाइट रेज दे आर कलेक्टेड बाय द कॉर्निया थ्रू द ट्रांसपेरेंट कॉर्निया लाइट रेज, दे आर मेनली मूविंग टू द लेंस एंड फ्रॉम द लेंस दे एक्चुअली दे आर सेंट, दे आर रिफ्रैक्टेड टू द कॉर्निया, सॉरी रिफ्रैक्टेड टू द रेटिना, वेयर दीज लाइट्स लाइट वेव्स दे आर सेंस विद द हेल्प ऑफ सम फोटो रिसेप्टर्स, और फोटो रिसेप्टर्स इन लाइट वेव्स को सेंस कर न्यूरॉन्स के थ्रू आप ब्रेन को सिग्नल सेंड करना स्टार्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल। बस आपको आईज डेवलपमेंट में दो चीजें याद रखना जरूरी है, यहाँ पर एक लेंस है जिसे डेवलप होना जरूरी है, और उसके बाद कॉर्निया का डेवलप होना जरूरी है। सो हाउ दिस लेंस एंड द कॉर्निया डेवलपमेंट आकर, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। बट जो कंप्लीट आईज होते हैं, आईज की जो डेवलपमेंट है, सो आईज द कंपोनेंट्स ऑफ आईज दे आर ऑब्टेन मेनली फ्रॉम द मीजोडर्म एंड द एक्टोडर्म। मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट एक्टोडर्म ओरिजिन वाले होते हैं। ओके, मेनली एक्टोडर्म में भी दो तरह के एक्टोडर्म है, जो इनिशियल एक्टोडर्म होता है इसे आगे चलकर दो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, सरफेस एक्टोडर्म, सरफेस एक्टोडर्म। कुछ कंपोनेंट्स है जैसे कॉर्निया है, सरफेस एक्टोडर्म से ऑप्टेन किया जाता है, और कुछ कंपोनेंट है जैसे न्यूरो एपिथेलियल एक्टोडर्म, न्यूरो एपिथेलियल एक्टोडर्म, न्यूरो एक्टोडर्म भी हम इसे कह सकते हैं। सो न्यूरो एपिथेलियल एक्टोडर्म से कुछ मेजर कंपोनेंट्स ऑप्टेन किए जाते हैं, जैसे कि लेंस, सॉरी जैसे कि रेटिना। ओके, सो देर इज रेटिना ऑब्टेन फ्रॉम दिस पार्ट। देन उसके बाद सीलियरी बॉडीज है, कोरॉइड है, आयरिस है, इस पार्ट से ऑब्टेन किए जाते हैं। सरफेस एक्टोडर्म से मेनली कॉर्निया और लेंस ऑब्टेन किए जाते हैं। सो दीज आर द टू मेजर कंपोनेंट ऑब्टेन फ्रॉम सरफेस एक्टोडर्म। और बाकी जो मस्कुलर पार्ट होता है, स्क्लेरा हो या इसमें जो सस्पेंसरी लिगामेंट जो है, जो लेंस को होल्ड कर रखते हैं सीलियरी बॉडीज के साथ, और कुछ ह्यूमर है, एक्वियस ह्यूमर प्रेजेंट है, यहाँ पर विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, इन सभी को बनाने के लिए जो कंट्रीब्यूशन आता है, दिस इज फ्रॉम मीजोडर्म। बस इसे आपको याद क्या रखना है, आईज जो होते हैं मेनली एक्टोडर्म और मीजोडर्म ओरिजिन वाले होते हैं। इन केस ऑफ ह्यूमंस आईज डेवलपमेंट आकर स्टार्ट इट आईज डेवलपमेंट स्टार्ट एट दी थर्ड वीक एंड इट कंटिन्यूज अप टू द 10th वीक, मीन्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो हमने डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन के दौरान 13 वीक्स तक होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कंप्लीट आईज डेवलपमेंट हो जाती है। आईज डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है मेनली वर्टिब्रेट्स में सिमिलर होती है, इस वजह से आप वर्टिब्रेट्स में मेनली आप एम्फीबियंस में आईज डेवलपमेंट की प्रोसेस स्टडी करो, या माइस में स्टडी करो, या ह्यूमन में स्टडी करो, इनका जो बेसिक मैकेनिज्म है सिमिलर है। इवन दो सम सिग्नल्स में वैरी, कुछ सिग्नल्स वैरी हो सकते हैं, लेकिन मैकेनिज्म क्या है सिमिलर होता है। सो आईज डेवलपमेंट इज एन आउटपुट ऑफ मोडस ऑपरेंडी। कोई भी ऑर्गन हो बॉडी में, ऑर्गन्स कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। जैसे अब हमने आईज के बारे में डिस्कस किया, अलग अलग टिश्यूज एक दूसरे के साथ एसोसिएट होकर आईज डेवलप हुए हैं। सो दीज टिश्यूज दे शुड बी ऑर्गेनाइज्ड विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर इन अ परफेक्ट वे। जैसे कि रेटिना रेटिना की जगह पर होना चाहिए, कॉर्निया कॉर्निया की जगह पर होना चाहिए, लेंस लेंस की जगह पर होना चाहिए। सो अलग अलग टिश्यूज को उनकी परफेक्ट पोजिशंस पर रखना, तभी वह ऑर्गन फंक्शनल
परफेक्टली काम कर सकता है। इफ वी डिस्टर्ब द पोजिशन ऑफ दिस टिश्यूज और सेल्स विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर इन द ऑर्गन, ऑर्गन मे नॉट वर्क। आपने रेटिना ये लेंस की जगह रखा, लेंस रेटिना की जगह रखा, और आपने कॉर्निया की जगह कुछ प्यूपीज रखे। सो इट मीन्स चेंज इन द टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन में लीड टू द लॉस ऑफ फंक्शन इन द ऑर्गन। अब क्वेश्चन आता है, कोई भी ऑर्गन डेवलपमेंट जब होती है, मल्टीपल काइंड्स ऑफ टिश्यूज को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अरेंज करना एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगी। रेटिना की जगह रेटिना होना चाहिए, कॉर्निया की जगह कॉर्निया, और लेंस की जगह लेंस होना चाहिए। सो दिस इज एक्चुअली एन आउटपुट ऑफ कोऑर्डिनेटिव इंटरेक्शंस ऑफ सेल्स। और जब कोई टिश्यू, जब कोई सेल, जब कोई ऑर्गन सेल्स के कोऑर्डिनेटिव इंटरेक्शन से बनता है, इस प्रोसेस को मोडस ऑपरेंडी कहा जाता है। सो व्हाट इज द मोडस ऑपरेंडी? इट इज नथिंग बट डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू और ऑर्गन बाय इंटरसेलुलर इंटरेक्शंस। व्हाट काइंड ऑफ इंटरसेलुलर इंटरेक्शंस? कोऑर्डिनेटिव टाइप ऑफ इंटरसेलुलर इंटरेक्शंस। सो अलग अलग सेल्स एक दूसरे को इंटरेक्ट कर एक दूसरे का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, एक दूसरे का फेट चेंज कर सकते हैं, एक दूसरे की डिसल डिवीजन की कैपेसिटी चेंज कर सकते हैं, एक दूसरे की डेथ कॉज कर सकते हैं। सो देर आर डिफरेंट थिंग्स दे कैन बी डन बाय द सेल सेल इंटरेक्शंस। सो डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑर्गन इज एन आउटपुट ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड कोऑर्डिनेटिव इंटरेक्शंस ऑफ सेल्स। ओके, जैसे यहाँ पर एक जो कोऑर्डिनेटिव इंटरेक्शन होती है दैट इज कॉल्ड एज इंडक्शन। जैसे आईज की जो डेवलपमेंट है, आई लेंस इंडक्शन, जो आई लेंस की जो प्रोसेस, आई लेंस डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है, एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेटिव इंटरेक्शन से होती है, दैट इज कॉल्ड एज इंडक्शन। सो कोई भी ऑर्गन हो, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, को डेवलप करने के लिए कोऑर्डिनेटिव इंटरेक्शन की जरूरत है, और इन कोऑर्डिनेटिव इंटरेक्शन में इंपॉर्टेंट कौन सा है? इंडक्शन। We will discuss, this is one of the most important way of cellular interactions, and this is important way of cellular interactions lead to organization of tissues or cells with respect to each other। Induction की वजह से cells और tissues एक दूसरे के respect में organize होना start होते हैं, and ultimately lead to the formation of one functional organ। कोई भी एक functional organ बनेगा, जैसे कि eyes। So eye development is a output of series of induction mechanisms, multiple induction events होकर eyes की development होती है। Okay, so this induction process involve two major components। जो induction process है इसमें दो major components होते हैं। कहाँ पर भी हो induction में दो major components involved है। The first major component which is involved is the inducer, and the second one is called as a responder। ओके, जैसे समझने के लिए आप एग्जांपल ले सकते हो, जहां पर कोई एक सेल है, दिस इज द सेल, दिस सेल इज प्रोड्यूसिंग सम सिग्नल्स, एंड दिस सिग्नल्स आर रिलीज्ड, सिग्नल्स वेसिकल्स के फॉर्म में बनते हैं और सिग्नल्स को रिलीज किया जाता है। सो द सेल विच प्रोड्यूसेस द सिग्नल रिलीज द सिग्नल इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, एंड दिस सिग्नल डिफ्यूज टू अ लोकल एरिया, एंड this signal start to act on the locally placed cells, in cell ya jaakar act karna start karta hai। once this signal act on the locally placed cells, the signal will change the fate of these cells, the signal may change the cell division capacity of these cells, the signal may change the shape of cell। So ऐसी कोई भी सेल जो सिग्नल रिलीज कर नेबर्स का फेट चेंज कर सके, नेबर्स की सेल्स का बिहेवियर चेंज कर सके, शेप चेंज कर सके, उनकी सेल डिवीजन की कैपेसिटी चेंज कर सके, उनका माइग्रेशन रेट चेंज कर सके। सो जो पर्टिकुलर सेल जो नेबरिंग सेल्स का बिहेवियर चेंज करती है थ्रू द लोकल एक्टिंग सिग्नल कॉल्ड एज
इंड्यूसर, इस सेल को कहा जाएगा इंड्यूसर सेल। इंड्यूसर्स दे रिलीज द सिग्नल एंड दिस सिग्नल इज व्हिच इज लोकल टाइप ऑफ सिग्नल, दिस इज द सिग्नल नोन एज पैराक्राइन सिग्नल। हाउ इंड्यूसर्स वर्क, इंड्यूसर इज नथिंग बट अ सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच रिलीज द सिग्नल कॉल्ड एज पैराक्राइन सिग्नल। जैसे हमने लास्ट वल्वा फॉर्मेशन का जो एग्जाम्पल डिस्कस किया था, एंकर सेल वॉज एन इंड्यूसर सेल, एंकर सेल एक इंड्यूसर सेल थी और उस सेल ने पैराक्राइन फैक्टर रिलीज किया था जो प्रोटीन था, दैट प्रोटीन वॉज वॉट काइंड ऑफ प्रोटीन वॉज दैट, दैट इज एन IL-3 प्रोटीन, ओके, जो कि पैराक्राइन फैक्टर था। यहाँ पर भी कुछ सेल्स होते हैं जो पैराक्राइन फैक्टर्स रिलीज करते हैं जो नेबरिंग सेल्स पर एक्ट करते हैं, लेकिन इंडक्शन में एक हो गया इंड्यूसर जो पैराक्राइन फैक्टर्स को रिलीज कर रहा है इन ऑर्डर टू चेंज द बिहेवियर ऑफ नेबरिंग सेल्स। दिस इज वन ऑफ द वे, इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एन इंटरेक्शन। बट अब यहाँ पर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, देर आर मेनी मोर सेल्स विच आर प्रेजेंट हियर, बहुत सारे सेल्स है। अब इन सेल्स, सभी सेल्स में इस पर्टिकुलर पैराक्राइन फैक्टर को रेस्पॉन्ड करने की एबिलिटी हो जरूरी नहीं है। देर आर सम सेल्स, दे आर हैविंग रिसेप्टर फॉर दैट पैराक्राइन फैक्टर एंड दे आर हैविंग सिग्नल ट्रांजक्शन कंपोनेंट्स। ऐसे सेल्स जिसके पास उस पैराक्राइन फैक्टर्स के लिए रिसीव करने के लिए रिसेप्टर्स है और रिसीव करने के बाद उस सिग्नल को प्रोसेस कर रेस्पॉन्स करने के लिए सिग्नल ट्रांजक्शन पाथवेज प्रेजेंट है। सो ऐसे सेल्स जो सिग्नल को रेस्पॉन्स कर सकते हैं इन्हें कहा जाता है रेस्पॉन्डर। सो व्हाट आर दीज सेल्स कॉल्ड एज रेस्पॉन्डर सेल्स। रेस्पॉन्डर सेल शुड हैव टू मेजर थिंग्स, दो चीजें होना जरूरी है, फर्स्ट उस सिग्नल के लिए रिसेप्टर और दूसरा The signal transduction components, signal transduction components, signal transduction के components में से intermediates होना चाहिए signal transduction pathways के, और responder is the cell which recognize the signal or paracrine signal and can give a response. But सभी cells में यह capacity नहीं होती है, कुछ cells में response करने की capacity होती है। This capacity to give a response to a particular signal is known as competency. जैसे यहाँ पर अलग अलग सेल्स है बट इन सेल्स में से इन तीनों सेल्स के पास रिसेप्टर भी है और सिग्नल ट्रांजक्शन के पाथवेज के कंपोनेंट्स भी है, इस वजह से इस सिग्नल को रिकॉग्नाइज कर सेम और अदर काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, डिपेंडिंग ऑन द टाइम पीरियड एट विच दे आर रिसीविंग द सिग्नल। अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन, अलग अलग टाइम पीरियड के बेसिस पर एक या अलग अलग रिस्पॉन्सेज कर सकते हैं। लेकिन कुछ सेल्स है जिनके पास एक तो रिसेप्टर नहीं है या रिसेप्टर प्रेजेंट है बट सिग्नल ट्रांजक्शन के कंपोनेंट्स प्रेजेंट नहीं है, इन सेल्स में इस सिग्नल को रिकॉग्नाइज कर रेस्पॉन्स करने की एबिलिटी नहीं है, दिस सेल्स आर कॉल्ड एज नॉन कॉम्पिटेंट सेल्स। सो नॉन कॉम्पिटेंसी मींस इट इज एन अनएबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू द इंड्यूसर्स, किसी भी सेल की असमर्थता जो पर्टिकुलर सिग्नल को रिसीव करके रेस्पॉन्स करने की होती है, इसे कहा जाता है नॉन कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी रेस्पॉन्स करने की एबिलिटी, नॉन कॉम्पिटेंसी रेस्पॉन्स ना करने की एबिलिटी। ओके, सो दीज आर द टू मेजर कंपोनेंट्स। जैसे हम अब लेंस इंडक्शन में, आई लेंस इंडक्शन में दो इनिशियल जो इंड्यूसर होता है ऑप्टिक वेसिकल होता है। सो इन आई लेंस इंडक्शन प्रोसेस द इनिशियल इंड्यूसर इज ऑप्टिक वेसिकल, हम डिस्कस करेंगे, इट इज अ इनिशिएटर ऑफ आई लेंस इंडक्शन। ऑप्टिक वेसिकल स्टार्ट रिलीज टू मेजर सिग्नल्स, दैट इज BMP4, एक सिग्नल है BMP4 और दूसरा सिग्नल होता है FGF8। BMP4 और जो FGF8 होते हैं ये मेनली हेड एक्टोडर्म पर आकर हेड एक्टोडर्म सेल्स पर एक्ट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कोई ड्रॉ कर यहाँ पर आपको ये ऑप्टिक वेसिकल है और ये कोई हेड एक्टोडर्म है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ हेड एक्टोडर्म, दिस इज द पार्ट ऑफ हेड एक्टोडर्म एंड दिस इज द पार्ट ऑफ ऑप्टिक वेसिकल। सो आइलेंस इंडक्शन में इनिशिएशन होता है ऑप्टिक वेसिकल से, जहां से दो अलग अलग तरह के सिग्नल्स यहाँ पर रिलीज होना अब स्टार्ट होते हैं। सो दीज टू सिग्नल्स, दीज आर दी BMP4 सिग्नल
और F8 सिग्नल, दिस सिग्नल्स आर सीक्रेटेड एज अ पैराक्राइन सिग्नल्स, एक्चुअली दिस सिग्नल्स आर रिसीव्ड बाय द हेड एक्टोडर्मस सेल्स, हेड एक्टोडर्म के सेल्स पर उनके लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट है और यह अब इन सिग्नल्स को रिकॉग्नाइज कर BMP4 के रेस्पॉन्स में, इन रेस्पॉन्स टू BMP4 के रेस्पॉन्स में इन सेल्स में अब एक प्रोटीन बनना स्टार्ट होता है, दैट इज SOX2। ओके, इन सभी सेल्स में जिस जिस सेल को BMP4 मिला है इसमें एक प्रोटीन का बनना स्टार्ट होता है SOX2, और FGF8 के रेस्पॉन्स में इन सेल्स से YLMF प्रोटीन बनना स्टार्ट होता है। और जितने भी सेल्स इन दो सिग्नल्स को रेस्पॉन्स कर सकते हैं ऑलरेडी उनके पास हम देखेंगे PEX6 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर तो ऑलरेडी है। मीन्स BMP4 आने के बाद SOX2 बना, FGF8 आने के बाद YLMF बना, अब इन सभी सेल्स में तीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का कॉम्बिनेशन आ चुका है, बाकी कोई सेल में नहीं है। जिस सेल्स पे BMP4 और YLMF सॉरी FGF8 ने एक्ट किया है उन सेल्स में तीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अब प्रेजेंट है। व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर? PEX6, BMP4 एंड LMAP। सो वंस दिस थ्री ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आर फॉर्म्ड, नाउ सच टाइप ऑफ सेल्स दे स्टार्ट टू एक्सप्रेस लेंस स्पेसिफिक जीन्स। हुआ क्या यहां पर, इंडक्शन के दौरान ऑप्टिक वेसिकल ने कुछ सिग्नल्स रिलीज किए जो एक इंड्यूसर है, ऑप्टिक वेसिकल वर्क लाइक इंड्यूसर। जो सिग्नल्स हैं या BMP4 या FGF8 एक्ट करेंगे उस टाइप के सेल्स में जिसमें ऑलरेडी PEX6 का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बना है। PEX6 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कंटेनिंग सेल्स दे रिकॉग्नाइज दिस टू सिग्नल्स एंड दे स्टार्ट टू प्रोड्यूस टू मोर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, दैट इज SOX2 एंड YLMF। YLMF, SOX2 और PEX6 जीन सेल्स में बन चुके होते हैं। इन सेल्स में अब लेंस स्पेसिफिक जीन्स का एक्सप्रेशन स्टार्ट होता है। नाउ दिस सेल्स दे अंडरगो सम चेंजेस, इन सेल्स को कहा जाएगा रिस्पॉन्डर। सो दिस इज द पार्ट ऑफ हेड एक्टोडर्म। सो विल कम बैक टू दिस पार्ट, मीन्स यहाँ पर भी दो चीजें इन्वॉल्व है, इंड्यूसर और दैट इज अ रेस्पॉन्डर। सो हमने जैसे डिस्कस किया कि आइलेंस इंडक्शन के दौरान इनिशियल इंड्यूसर का काम कौन करता है? ऑप्टिक वेसिकल। ओके, सो विल डिस्कस कि आईज डेवलपमेंट की शुरुआत होती है थर्ड वीक से। थर्ड वीक में ऑप्टिक वेसिकल्स बनकर जो एक्चुअली एक न्यूरल एक्टोडर्म का पार्ट होता है, सो फर्स्ट जो ऑर्गेनोजेनेसिस इवेंट स्टार्ट होते हैं अर्ली डेवलपमेंट में, दैट इज न्यूरोजेनेसिस। न्यूरोजेनेसिस के दौरान न्यूरल ट्यूब बनना स्टार्ट होती है। ओके, जैसे जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, न्यूरल ट्यूब बनते समय कुछ एक्टोडर्म के सेल्स न्यूरल ट्यूब बनाना स्टार्ट करते हैं और इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। दिस इज द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म। इफ वी ड्रॉ अ कंप्लीट स्ट्रक्चर, दिस इज द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म। सो दिस आर द सेल्स ऑफ न्यूरल ट्यूब। सो दिस इज द न्यूरल ट्यूब। यहाँ पर ये न्यूरल ट्यूब है, कंप्लीट न्यूरल ट्यूब आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। और जो एक्सटर्नल पार्ट है, दिस इज द पार्ट कॉल्ड एज हेड एक्टोडर्म। यहाँ पर जो है ये हेड एक्टोडर्म का पार्ट है, और जो पार्ट हेड के एरिया से जो नीचे है इसे ट्रंक एक्टोडर्म कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हेड एक्टोडर्म का पार्ट दिखाया गया है और ट्रंक एक्टोडर्म का भी पार्ट दिखाया गया है। ओके, सो व्हाट वी आर सेइंग, हमारा कहना क्या है कि आइलेंस इंडक्शन के लिए जो इनिशियल सिग्नल होता है, इस इनिशियल सिग्नल को रिलीज करने वाला कौन है? ऑप्टिक वेसिकल वर्क लाइक इंड्यूसर फॉर आइलेंस इंडक्शन। जब तक कोई सिग्नल ऑप्टिक वेसिकल से ना आए तब तक आइलेंस इंडक्शन स्टार्ट नहीं होता है। और कब आना स्टार्ट होता है? थर्ड वीक के बाद। ओके, सो हाउ कैन वी प्रूव दैट ऑप्टिक वेसिकल इज एन इंड्यूसर फॉर द आइलेंस इंडक्शन? अब इंड्यूसर है मीन्स उसका प्रेजेंस होना जरूरी है, वह नहीं होगा तो आइलेंस इंडक्शन नहीं होगा। जैसे फर्स्टली हमने नॉकआउट का फंक्शन किया, नॉकआउट एक्सपेरिमेंट किया। नॉकआउट एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, एक साइड से जो न्यूरल ट्यूब थी, एक साइड में न्यूरल ट्यूब के ऑप्टिक वेसिकल थी, उस ऑप्टिकल वेसिकल को हमने यहाँ से हटा दिया। सो दिस वॉज द पार्ट वेयर ऑप्टिक वेसिकल वॉज देयर। अब इस ऑप्टिक वेसिकल को यहाँ से हटाने के बाद हमने देखा और दूसरी तरफ ऑप्टिक वेसिकल प्रेजेंट है, इस तरफ ऑप्टिक वेसिकल प्रेजेंट है। दिस इज द ऑप्टिक वेसिकल which is kept as it is. So actually दो आईज बनने चाहिए थे, दो लेंसेज बनने चाहिए थे, लेकिन हमने डिस्कस किया, देखा कि एक्चुअली ऑप्टिक वेसिकल इज, व्हेन इट इज रिमूव्ड देयर इज नो आई लेंस इंडक्शन।
आयलेस इंडक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? एक तो चीज है कि ऑप्टिक वेसिकल इज नेसेसरी फॉर द आयलेस इंडक्शन। कैसे हमने प्रूव किया? यहां से ऑप्टिक वेसिकल को पिकअप कर कर। अब हमें प्रूव करना है कि ऑप्टिक वेसिकल एक सफिशियंट पार्ट है जो कि कहां पर भी आईज को डेवलप कर सकता है, इन द हेड एक्टोडर्म पार्ट। जैसे हमने इसे सफिशियंसी प्रूव करने के लिए तो हमें गेन ऑफ फंक्शन करना चाहिए। सो हमने क्या किया, यहाँ से ऑप्टिक वेसिकल पिकअप किया। सो वी हैव ऑब्टेन द ऑप्टिक वेसिकल एंड इम्प्लांटेड इन द अनदर एरिया ऑफ, सो दिस इज द ऑप्टिक वेसिकल ऑब्टेन फ्रॉम दिस साइड। यहाँ से हमने हटाया और एक्टॉपिक पोजीशन पर रखा, हेड एक्टोडर्म के एरिया में। एक्टॉपिक पोजीशन मीन्स ऐसी पोजीशन जो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल पोजीशन पर रखा। ओके, सो एक दूसरे के अपोजिट साइड में आईज आनी चाहिए थे, लेकिन हमने हेड एक्टोडर्म में ऑप्टिक वेसिकल को दूसरी जगह रखा, यहाँ पर हमने रखा। आगे हमने देखा कि जहां पर हमने ऑप्टिक वेसिकल रखा है वहां पर ही दूसरा आई लेंस इंडक्शन हुआ, देयर इज अ सेकेंड आई फॉर्म्ड। इसका मतलब हेड एक्टोडर्म के एरिया में आप ऑप्टिक वेसिकल कहां पर भी रखो, वहां से आईज का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। सो दिस इज सफिशियंसी। सो इन द हेड एक्टोडर्म ऑप्टिक वेसिकल इज सफिशियंट टू स्टार्ट द आईलेस इंडक्शन। ओके, सो दीज टू थिंग्स वी प्रूव्ड। एक तो पहले से हमने निकाल कर इसे हटा कर देखा, नहीं बन रहा था, और जगह दूसरी जगह चेंज कर हमने दूसरी तरफ रखा तो वहां पर आईलेस इंडक्शन हो रहा था। बट हमने और एक एक्सपेरिमेंट किया। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वॉज दैट, एज हमने डिस्कस किया था कि ऑप्टिक वेसिकल सफिशियंट है हेड एक्टोडर्म के भी नीचे, कहां पर भी ऑप्टिक वेसिकल रखो वहां से आइलेंस इंडक्शन होना स्टार्ट होता है। हमें लगा कि अब हेड एक्टोडर्म एक्चुअली इट हैज कैपेसिटी टू स्टार्ट द आइलेंस इंडक्शन, देर इज नो नीड ऑफ ऑप्टिक वेसिकल, ऑप्टिक वेसिकल की जरूरत ही नहीं है। ऐसा होता तो निकालने के बाद यहाँ पर ऑप्टिक वेसिकल ना निकालने के बाद आइलेंस इंडक्शन होना चाहिए था, ऐसा हमने देखा है। फिर भी ऑप्टिक वेसिकल इज एक्चुअली अ इंड्यूसर। इसे प्रूव करने के लिए एक डिबेट ऐसे हो सकती थी कि कोई भी सेल ऑप्टिक वेसिकल की जगह पर कोई भी सेल नॉन ऑप्टिक वेसिकल सेल्स भी इंड्यूस कर सकते हैं, ऐसा किसी ने डिबेट किया। अब इसे डिसप्रूव करने के लिए हमने क्या किया, टिश्यू अदर देन द ऑप्टिक वेसिकल इज इम्प्लांटेड, कहां से भी हमने टिश्यूज कलेक्ट किए और हेड एक्टोडर्म के जस्ट बीनित रखे। तो क्या कहना था, ऑप्टिक वेसिकल नहीं, कोई भी सेल इसे इंड्यूस कर सकती है हेड एक्टोडर्म को। आपने क्या किया था, पहले हेड एक्टोडर्म में से हेड एक्टोडर्म के नीचे जो ऑप्टिक वेसिकल वहां से आपने हटाया था, कोई भी सेल नहीं थे इस वजह से इंडक्शन नहीं हो रहा था। अब हमने क्या किया है, यहाँ पर नॉन ऑप्टिक वेसिकल के सेल्स रखे और देखा हेड एक्टोडर्म लेंस बनाता है क्या, तो नहीं, नो लेंस इंडक्शन। इसका मतलब जो इंड्यूसर का काम करता है सिर्फ ऑप्टिक वेसिकल करता है, बाकी कोई भी टिश्यू नहीं कर सकती है। यू कैन टेक एनी टिश्यू एंड यू कैन कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट, दिस इज अनदर प्रूफ। ओके, नेक्स्ट प्रूफ है कि ऑप्टिक वेसिकल के पास इंड्यूसर की करने इंड्यूस करने की कैपेसिटी है फॉर लेंस इंडक्शन और आई लेंस इंडक्शन, तो यह कहां पर भी कर सकता है क्या, वेदर इट इज साइट स्पेसिफिक और वेदर इट कैन बी डन एट एनी प्लेस इन द बॉडी ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। इसे चेक करने के लिए हमने ऑप्टिक वेसिकल पिकअप किया। नाउ दिस इज द ऑप्टिक वेसिकल, दिस इज अनदर काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट डन। और हमने ऑप्टिक वेसिकल को एक्टोडर्म के जस्ट बीनित रखा, एक्टोडर्म ही है लेकिन जो एक्टोडर्म है यह ट्रंक एक्टोडर्म है। सो दिस इज द ट्रंक एक्टोडर्म, और ट्रंक एक्टोडर्म के नीचे रखकर हमने देखा कि ऑप्टिक वेसिकल यहाँ पर आईज का डेवलपमेंट कर सकता है, तो ऑब्जर्वेशन के बाद पता चला देर इज नो लेंस इंडक्शन। इसका मतलब जो ऑप्टिक वेसिकल हेड एक्टोडर्म में आई लेंस इंडक्शन कर सकता है, ट्रंक एक्टोडर्म में नहीं कर सकता है। अब प्रॉब्लम किसका है, ऑप्टिक वेसिकल यहाँ पर जो इंडक्शन कर पा रहा था हेड के एरिया में, बट ट्रंक के एरिया में नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, एक्चुअली प्रॉब्लम ऑप्टिक वेसिकल का नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि इन सेल्स का, कि हेड एक्टोडर्म वाले जो सेल्स थे ऑप्टिक वेसिकल के सिग्नल को रिसीव कर कर रेस्पॉन्ड कर रहे थे, लेकिन ट्रंक एक्टोडर्म वाले सेल्स प्रोबेबली ऑप्टिक वेसिकल के सिग्नल को रिसीव कर कर रेस्पॉन्ड नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स ट्रंक एक्टोडर्म इज नॉट कॉम्पिटेंट और हेड एक्टोडर्म क्या है, कॉम्पिटेंट है। इससे क्या प्रूव हुआ, ऑप्टिक वेसिकल ओनली सफिशियंट नहीं है, उसके साथ हेड एक्टोडर्म वाला भी पार्ट होना चाहिए जो कि कॉम्पिटेंट है।
आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे कि हेरेक्टोडम वाला पार्ट कॉम्पिटेंट है, लेकिन ट्रंकेटोडम वाला पार्ट क्यों कॉम्पिटेंट नहीं है। प्रोबेबली हेरेक्टोडम वाले जो सेल्स है इनमें कुछ पर्टिकुलर टाइप के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होंगे जो इन्हें कॉम्पिटेंट बना रहे होंगे, और जो ट्रंकेटोडम वाला पार्ट है ये नॉन कॉम्पिटेंट है। प्रोबेबली इनके पास एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नहीं होगा जो इन्हें कॉम्पिटेंसी नहीं प्रोवाइड कर रहा है। सो आगे चलकर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर, नॉकआउट एक्सपेरिमेंट्स कर, गेन ऑफ फंक्शन टाइप के एक्सपेरिमेंट कर, डिस्कवर कर लिया गया कि PAX6 जिन सेल्स में एक्सप्रेस होता है उन सेल्स में कॉम्पिटेंसी आती है। सो इसे चेक करने के लिए हमने आगे चलकर एक्सपेरिमेंट्स किए। ट्रंक एक्टोडर्म के सेल्स में PAX6 का एक्सप्रेशन नहीं हो रहा था, इस वजह से एक्चुअली जो होमोलॉग है आईलेस जीन का इन ड्रोसोफिला, PAX6 का एक्सप्रेशन ना होने के कारण ये कॉम्पिटेंसी नहीं थे। हमने क्या किया, अब ट्रंक एक्टोडर्म के सेल्स में PAX6 का एक्सप्रेशन करवाया और ऑप्टिक वेसिकल कर देखा। सो वी हैव कीप द ऑप्टिक वेसिकल हियर एंड नाउ व्हाट वी हैव डन, वी हैव कैरिड आउट द PAX6 एक्सप्रेशन इन दिस सेल्स। PAX6 का एक्सप्रेशन भी हमने इन सेल्स में करवाया और हमने देखा कि यहाँ पे अब आई लेंस इंडक्शन हो रहा है। सो देर इज अ लेंस इंडक्शन, इसका मतलब PAX6 यहाँ पर रखने के कारण, यहाँ पर एक्सप्रेस करवाने कारण कॉम्पिटेंसी आ जाती है। सो इट मीन्स हेड के रीजन में ही आईज डेवलप हो जरूरी नहीं है, कि नेचुरली वहां पर ही क्यों होते हैं, क्योंकि वहां पर जो सेल्स प्रेजेंट है ऑप्टिक वेसिकल को रेस्पॉन्स करने वाले हैं। सो किसी ने सोचा नहीं मैं फिंगर टिप पर आईज डेवलप करूंगा, ओके फिंगर पर आईज आने चाहिए। सो बस आपको एक ही काम करना है, जिस एरिया है जिस एक्टोडर्म से फिंगर बन रहे हैं उस एरिया में PAX6 का एक्सप्रेशन करवाओ, और उसके नीचे क्या रखो, ऑप्टिक वेसिकल रखो। सो इन एरियाज में क्या बनना स्टार्ट होंगे, सो नाउ देयर इज अ स्टार्ट ऑफ आईलेंस इंडक्शन। सो इवन फिंगर्स पर बैक साइड पर आईज लाए जा सकते हैं बाय डूइंग विद डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, बस कॉम्पिटेंसी पहले होना जरूरी है। सो कोई भी इंडक्शन प्रोसेस हो इनमें दो कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए, फर्स्ट इंड्यूसर हो, और इंड्यूसर कहाँ और किन सेल्स को इंड्यूस करेगा डिपेंड है इन पर कॉम्पिटेंसी, और कॉम्पिटेंसी डिपेंड ऑन सेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर। जैसे हेड एक्टोडर्म के पार्ट्स में जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं एक्टोडर्मल सेल्स, इनमें कॉम्पिटेंसी होती है मेनली बिकॉज ऑफ OTX2, SOX3 एंड PAX6। सो दीज आर द थ्री मेजर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द हेड एक्टोडर्मल सेल्स जिनके कारण ऑप्टिक वेसिकल को रेस्पॉन्स करने की एबिलिटी आती है। ओके इन सभी एक्सपेरिमेंट से प्रूफ क्या हुआ, बहुत सारी चीजें हमने प्रूव की है। फर्स्ट ऑप्टिक वेसिकल नेसेसरी है, जो लॉस ऑफ फंक्शन ऑप्टिक वेसिकल इज सफिशियंट टू कैरी आउट आईलेस इंडक्शन इन द हेड एक्टोडर्म एरिया, और ऑप्टिक वेसिकल वही सेल उन्हीं सेल्स पर काम करता है जिन सेल्स में कॉम्पिटेंसी होती है। कॉम्पिटेंसी लाने के लिए PAX6 का जीन का एक्सप्रेशन होना जरूरी है, इन कंक्लूजन को आपको याद रखना है। ओके नाउ लेटर ऑन द क्वेश्चन वॉज आस्ट, हेड एक्टोडर्म के सेल्स में ही PAX6 का एक्सप्रेशन क्यों हो रहा है, हेड एक्टोडर्मल सेल्स जो है हेड एक्टोडर्मल सेल्स में ही कॉम्पिटेंसी क्यों है। सो इसे समझने के लिए आगे चलकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए और एक कंक्लूजन किया गया कि एक्चुअली एक सिग्नल देने के बाद किसी भी सेल को वह सेल दूसरे सिग्नल के लिए कॉम्पिटेंट बन सकती है। जैसे आपने किसी पर्टिकुलर एक्स पर्सन से किसी वाई पर्सन के बारे में डिस्कस किया और आपने कहा कि इसको आपको सुनना है, सो दिस वाज द कंडीशन इनिशियल अंडरस्टैंडिंग के लिए है। कोई पर्सन ए है और पर्सन बी है, जनरली पर्सन बी जो ए का जो भी सिग्नल रिसीव करता है और इसे रेस्पॉन्स करता है, ए इज अ इंड्यूसर फॉर द बी, बी नॉर्मली किसी रेस्पॉन्स करता है ए को, बट अब सी को भी बी ने रेस्पॉन्स करना चाहिए। सो ए ने कुछ सिग्नल दिए और इसे कहा कि नहीं आपको इसके बाद सी के लिए भी रिसेप्टर बनाना है, सी के लिए भी रेस्पॉन्स करना है। सो दिस सिग्नल फ्रॉम ए सेल्स मेक द बी सेल्स टू बी रेडी टू गिव अ रेस्पॉन्स फॉर द सिग्नल ऑब्टेन फ्रॉम द सी। सी से जो आने वाले सिग्नल है इनको भी रेस्पॉन्स करने के लिए बी सेल्स को किसने कहा है, ए सेल्स ने। ऐसा हो सकता है डेवलपमेंट के दौरान किसी एक सेल ने अर्ली डेवलपमेंट में कोई सेल्स को कहा कि नहीं आगे चलकर आपको इसे रेस्पॉन्स देना पड़ेगा, तो वह सेल ने यहाँ इसे याद रखा और उस तरह के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनाए। जैसे कि अब हेड एक्टोडर्म में ही क्यों, हेड एक्टोडर्म में ही क्यों कॉम्पिटेंसी होती है, क्योंकि जो हेड एक्टोडर्म का पार्ट है
इसे कॉम्पिटेंसी प्रोवाइड करने के लिए कुछ सिग्नल्स एंडोडर्म या मेसोडर्म से ऑब्टेन होते हैं ड्यूरिंग अर्ली गैस्ट्रोला और लेट गैस्ट्रोला। जैसे कि यहां पर हेड एक्टोडर्म का पार्ट बनने वाला है, दिस इज द गैस्ट्रोला स्टेज, दिस इज द एरिया, इन फ्यूचर इट विल बी कन्वर्टेड इनटू हेड एक्टोडर्म। सो गैस्ट्रोला स्टेज में क्या हुआ था, हेड एक्टोडर्म का जो एरिया है, हेड एक्टोडर्म का जो पार्ट है, इट वॉज नियर टू हर्ट फॉर्मिंग मेसोडर्म। ये क्या है, हर्ट फॉर्मिंग मेसोडर्म, दिस इज द हर्ट फॉर्मिंग मेसोडर्म, और यहां पर फोरगट फॉर्मिंग एंडोडर्म। सो इट मींस जहां पर हेड एक्टोडर्म था उसके नीचे कुछ सेल्स थे जो कि बाकी एरिया में नहीं थे, फोरगट फॉर्मिंग एंडोडर्म। सो as head ectoderm was near to foregut forming endoderm and the hurt forming mesoderm, these hurt forming mesoderms says they release some signal, foregut forming endoderm they release some signals, in signals ki wajah se ab is head ectoderm mein teen tarah ke genes express hona start hua, otx2 sox3 aur jo major hai pax6। okay, सो गैस्ट्रोलेशन स्टेज के दौरान फर्स्टली एक्चुअली हेड एक्टोडर्म सेल्स को किसने इंड्यूस किया था, फोरगट एंडोडर्म में और हर्ट फॉर्मिंग मेसोडर्म ने इंड्यूस किया, जिसे हेड एक्टोडर्म ने याद रखा। इसे कहा गया था कि एक्चुअली आगे चलकर आपको BMP4 और FGF8 वाले जो सिग्नल आएंगे ना ऑप्टिक वेसिकल से, इसे रिसीव करना जरूरी है इन ऑर्डर टू फॉर्म आई लेंस और लेंस और कॉर्निया। लेंस और कॉर्निया बनाने के लिए आपको मेनली लेंस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आगे चलकर रेस्पॉन्स करना पड़ेगा। और इस रेस्पॉन्स करने की एबिलिटी किसने कंट्रीब्यूट की अर्ली गैस्ट्रोलेशन या लेट गैस्ट्रोलेशन में, मेनली सिग्नल्स फ्रॉम मेनली फोरगट एंडोडर्म एंड हर्ट मेसोडर्म। ओके, सो दिस इज टू बी रिमेम्बर। इससे क्या आपने प्रूव किया है, इससे क्या प्रूव हुआ, वन इंडक्शन मेक द टिश्यूज कॉम्पिटेंट फॉर द अदर इंडक्शन। गैस्ट्रोलेशन में एक इंडक्शन हुआ था ना, हर्ट से सिग्नल आकर, फोरगट से सिग्नल आकर इसे एक्टोडर्म को इंड्यूस किया गया। अब इसने इस इंडक्शन की वजह से कॉम्पिटेंसी एक्वायर की बाय एक्सप्रेशन ऑफ PAX6। ओके, दिस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द अनदर डायग्राम। यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव एक्टोडर्म है, दिस इज द प्रोस्पेक्टिव एक्टोडर्म, मीन्स आगे चलकर एक्टोडर्म बनने वाला है। दिस प्रोस्पेक्टिव एक्टोडर्म मीन्स आगे चलकर एक्टोडर्म बनेगा। एक्टोडर्म में भी अलग अलग एरियाज होंगे क्योंकि एक्टोडर्म एपिडर्मिस बनाता है, नर्वस सिस्टम बनाता है, न्यूरो एक्टोडर्म होगा, सरफेस एक्टोडर्म होगा। सो अलग अलग पार्ट बन सकते हैं एक्टोडर्म से। अब प्रोस्पेक्टिव एक्टोडर्म में मेनली जो न्यूरल प्लेट फॉर्मिंग है, न्यूरल प्लेट जो आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे, न्यूरल ट्यूब बनाएंगे और न्यूरल क्रिस्टल्स भी बनाएंगे। न्यूरल प्लेट बनाने वाले जो एक्टोडर्म है इनको कॉर्डा मेसोडर्म से सिग्नल आना स्टार्ट हुआ लेट गैस्ट्रोला के दौरान। ओके, और इन सेल्स में चेंजेस होने स्टार्ट हुए, कॉर्डा मेसोडर्म से इनमें सिग्नल रिसीव कर प्रोस्पेक्टिव न्यूरो प्लेट में कुछ चेंजेस हुए, जिसके कारण प्रोस्पेक्टिव ऑप्टिक कप बना, ऑप्टिक वेसिकल बने। सो ऑप्टिक वेसिकल में भी एज ए इंड्यूसर काम करने की जो एबिलिटी आई है, इनिशियल जो मिले हुए सिग्नल्स थे इनके वजह से, इसकी इंडक्शन की वजह से। ओके, अब जो प्रोस्पेक्टिव एपिडर्मिस था, एपिडर्मिस मींस सरफेस एक्टोडर्म बनाने वाला पार्ट, सरफेस एक्टोडर्म का पार्ट, सरफेस एक्टोडर्म के पार्ट को भी कुछ सिग्नल्स प्रोस्पेक्टिव न्यूरल प्लेट से आए। सो देयर आर सम सिग्नल्स ऑब्टेन फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव न्यूरल प्लेट, जो आगे चलकर न्यूरल प्लेट बनने वाला है, आगे चलकर जो ऑप्टिक वेसिकल बनने वाला है, इससे कुछ सिग्नल रिलीज हो रहे थे गैस्ट्रोलेशन के दौरान, और कुछ सिग्नल प्रोस्पेक्टिव फोरगट एंडोडर्म से आए, फोरगट एंडोडर्म से, और कुछ सिग्नल हर्ट फॉर्मिंग मेसोडर्म से आए, मीन्स जो आगे चलकर हेड के एरिया में एक्टोडर्म बनाने वाला है, एपिडर्मिस बनाने वाला है, इन सेल्स को तीन अलग अलग सिग्नल्स मिले, एक सिग्नल फोरगट से, एक सिग्नल हर्ट फॉर्मिंग मेसोडर्म से, और एक सिग्नल ऑप्टिक प्लेट से। इन तीन सिग्नल की वजह से तीन अलग अलग जीन्स एक्सप्रेस होना स्टार्ट हुए। तीन अलग अलग जीन्स कौन से एक्सप्रेस होना स्टार्ट हुए, OTX2, SOX3, और जो मेजर था कौन था, PAX6। सो इनकी वजह से
अब जो प्रोस्पेक्टिव लेंस एक्टोडर्म बना, जिसे हम हेड एक्टोडर्म कहते हैं, ओके, सो इससे आपको क्या याद रखना जरूरी है? इस डिस्कशन से आपको इतना ही याद रखना है कि एक्चुअली एक या मल्टीपल इंडक्शन सिग्नल्स जब अर्ली डेवलपमेंट में मिलते हैं, आगे चलकर वह सेल दूसरे सिग्नल के लिए कॉम्पिटेंट बनाती है, ओके? सो दिस इज अबाउट द सीरीज ऑफ कॉम्पिटेंस, सॉरी सीरीज ऑफ इंडक्शन। एक सिग्नल हुआ, सॉरी एक इंडक्शन हुआ जिससे कॉम्पिटेंसी आई, और दूसरे सिग्नल के लिए अब यहाँ पर इंडक्शन हो सकता है। सो दिस इज अबाउट द सीरीज ऑफ कॉम्पिटेंस, सॉरी सीरीज ऑफ इंडक्शन। जो अब तक दो इंडक्शन हो चुके हैं ऑप्टिक वेसिकल बनने तक और हेड एक्टोडर्म बनने तक, अब तक दो इंडक्शन प्रोसेस में ही जा चुके हैं अलग अलग सिग्नल से, ओके? नाउ व्हाट वी डिस्कस्ड अप टू नाउ, दैट इज द मीन द कॉम्पिटेंसी इज बिकॉज ऑफ PAX6 एक्सप्रेशन। हेड एक्टोडर्म के सेल्स में क्या और कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेंसी के लिए? PAX6 इंपॉर्टेंट होता है। सो इसे प्रूव किया गया बाय डूइंग डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। जैसे कुछ कोई माउस हो या कोई मेनली रैबिट हो या फ्रॉग हो, इनके PAX6 के जीन में लॉस ऑफ फंक्शन किया गया। सो देर इज अ होमोजाइगस नॉकआउट, होमोजाइगस नॉकआउट किया गया, मींस दोनों कॉपीज PAX6 के लॉस ऑफ फंक्शन किए गए। ऐसे माइस या ऐसे फ्रॉग में आईज या लेंस डेवलप नहीं हो रहा था, नो लेंस डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है? PAX6 डिलीट करने के बाद, इसका फंक्शन लॉस करने के बाद लेंस नहीं बनते, इसका मतलब PAX6 का एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, ओके? नेक्स्ट, आगे कहां पर PAX6 इंपॉर्टेंट होता है लेंस डेवलपमेंट में? ऑप्टिक वेसिकल में या हेड एक्टोडर्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसे प्रूव करने के लिए कुछ रिकॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, ओके? जैसे आपको समझने के लिए, जैसे यहाँ पर ये हेड एक्टोडर्म का पार्ट है, सो दिस इज द पार्ट ऑफ हेड एक्टोडर्म, दिस इज द पार्ट ऑफ हेड एक्टोडर्म फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म, जिसे हम यहाँ पर ग्रीन कलर से डेसिग्नेट कर सकते हैं। जो ग्रीन कलर का पार्ट है, ये हेड एक्टोडर्म का पार्ट है, और इसके बीच में यहाँ पर एक न्यूरल ट्यूब बनी है। इस न्यूरल ट्यूब में कुछ पार्ट है जो ऑप्टिक वेसिकल का पार्ट है, सो दिस इज द पार्ट ऑफ न्यूरल ट्यूब। अब इस न्यूरल ट्यूब में एक स्पेसिफिक पार्ट है जो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, दैट इज पार्ट ऑफ ऑप्टिक वेसिकल, सो दिस इज द पार्ट ऑफ ऑप्टिक वेसिकल, इट इज ऑप्टिक वेसिकल एंड दिस इज द हेड एक्टोडर्म, ओके? सो दिस इज हेड एक्टोडर्म, और एक हमने एम्ब्रियो लिया है, सो और एक एम्ब्रियो आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो जिसमें हेड एक्टोडर्म है, सो दिस इज द हेड एक्टोडर्म एरिया। और यहाँ पर भी न्यूरल ट्यूब प्रेजेंट है जिसमें एक पार्ट है जो ऑप्टिक वेसिकल का पार्ट है, ओके? सो दिस इज द पार्ट ऑफ न्यूरल ट्यूब, और इसमें यहाँ पर कोई पार्ट है जो कि ऑप्टिक वेसिकल का पार्ट है, दिस इज अ एम्ब्रियो सेकेंड। और हमने कुछ रिकॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट्स किए, रिकॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट, दिस इज द पार्ट ऑफ ऑप्टिक वेसिकल एंड दिस इज, सॉरी दिस इज द पार्ट ऑफ हेड एक्टोडर्म, ये हेड एक्टोडर्म का पार्ट है, दिस इज द हेड एक्टोडर्म पार्ट एंड दिस इज द ऑप्टिक वेसिकल, ओके? हमने एक रिकॉम्बिनेशन मीन्स री ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट्स किए। जैसे ये कोई माइस है, माइस वन, और ये दूसरा माइस है, माइस टू। इस माइस वन में हमने PAX6 म्यूटेंट है, दिस इज द PAX6 माइनस माइस, और ये माइस टू जो है ना, PAX6 प्लस है, दिस इज अ PAX6 प्लस माइस। दोनों माइस में एक जीन के लिए हम स्टडी कर रहे हैं। हमने क्या किया, PAX6 माइनस जो माइस है ना, PAX6 माइनस माइस, PAX6 माइनस माइस में जो हेड एक्टोडर्म होगा, इसमें PAX6 एक्सप्रेशन नहीं होगा,
और ऑप्टिकल वेसिकल में भी पैक सिक्स एक्सप्रेशन नहीं होगा। सो इट मीन्स यहाँ पर भी एक्सप्रेशन पैक सिक्स का नहीं हो रहा है। हमने क्या किया, इसमें से ऑप्टिक वेसिकल निकाला और ऑप्टिक वेसिकल हमने यहाँ से पिकअप किया। सो वी हैव पिक्ड अप द ऑप्टिक वेसिकल फ्रॉम अनदर माइस व्हिच वाज पैक सिक्स पॉजिटिव। पैक सिक्स पॉजिटिव वाला ऑप्टिक वेसिकल लिया और यहाँ पर हमने इम्प्लांट किया। सो दिस इज द ऑप्टिक वेसिकल ऑप्टेन फ्रॉम पैक सिक्स पॉजिटिव माइस। अब पैक्स की पैक सिक्स यहाँ पर नहीं है, पैक सिक्स इज एब्सेंट इन हेरेक्टोडम एंड पैक सिक्स इज प्रेजेंट इन दिस ऑप्टिक वेसिकल। ओके, हमें ये चेक करना है कि पैक सिक्स कहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस वाज द रिकॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट। हमने देखा यहाँ पर जो ऑप्टिक वेसिकल है पैक सिक्स माइनस ही है और हेरेक्टोडम जो है पैक सिक्स माइनस है। यहाँ पर जो हेरेक्टोडम है पैक सिक्स माइनस है लेकिन ऑप्टिक वेसिकल पैक सिक्स प्लस है। दोनों तरफ हमने देखा देर इज नो आइस, नो लेंस फॉर्मेशन। भले ही यहां पर पैक सिक्स ऑप्टिक वेसिकल में काम कर रहा था लेकिन हेरेक्टोडम में काम नहीं कर रहा था। यहां पर दोनों में काम नहीं कर रहा था, यहां पर तो लेंस बनना ही नहीं था लेकिन यहां पर तो बनना चाहिए था जब ऑप्टिक वेसिकल में पैक सिक्स इंपॉर्टेंट हो तब। दिस वॉज द एक्सपेरिमेंट इनिशियली डन। यहां पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। सो देर इज नो मीन्स पैक सिक्स भले ही ऑप्टिक वेसिकल में काम करे फिर भी लेंस डेवलप नहीं होता है। और एक एक्सपेरिमेंट हमने किया रिकॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट। सो लेट्स लेट्स ड्रॉ वन मोर हेरेक्टोडम। सो दिस इज द हेरेक्टोडम पार्ट और न्यूरल ट्यूब का ये पार्ट है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ न्यूरल ट्यूब। ओके, सो दिस इज अ न्यूरल ट्यूब जिसमें कोई पार्ट है यहाँ पर जो ऑप्टिक वेसिकल का काम करते हैं। दिस इज ऑप्टिक वेसिकल एंड दिस इज द हेड एक्टोडम। दिस माइस इज पैक्स सिक्स पॉजिटिव। दिस माइस इज पैक्स सिक्स पॉजिटिव। ओके, हमने क्या किया, पैक्स सिक्स पॉजिटिव मीन्स इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हेरेक्टोडम और जो ऑप्टिक वेसिकल दोनों में पैक सिक्स प्रेजेंट है, नॉर्मली प्रेजेंट है। हमने यहाँ से एक पर्टिकुलर जगह से हेरेक्टोडम हटाया, सॉरी ऑप्टिक वेसिकल यहाँ से हटा दिया और इस माइस से हमने ऑप्टिक वेसिकल लिया। सो दिस वाज द ऑप्टिक वेसिकल ऑप्टेन फ्रॉम दिस माइस। ऑप्टिक वेसिकल जो यहाँ से ऑप्टेन किया जा रहा है, ऑप्टिक वेसिकल में जीन नहीं होगा, एक्सप्रेशन नहीं होगा। सो दिस इज द ऑप्टिक वेसिकल which is obtained from the mice one which was PAX6 minus वाला optic vesicle। इसमें PAX6 का जीन एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है लेकिन इसके हेड में हो रहा है PAX6 जीन एक्सप्रेशन। हेड में है, हेड एक्टोडम में है। यहाँ पर हमने इस PAX6 minus optic vesicle लो इसे इम्प्लांट किया। ओके, यहाँ पर PAX6 प्लस हेड एक्टोडम में ही भी है, यहाँ पर ऑप्टिक वेसिकल भी PAX6 प्लस वाले है और यहाँ पर पैक सिक्स प्लस हेरेक्टोडम में है लेकिन यहाँ पर जो ऑप्टिक वेसिकल है पैक सिक्स माइनस है। अब यहाँ पे भी हमें वही स्टडी करना है कि पैक सिक्स कहाँ पर काम करने से लेंस बनता है। दोनों में काम करना जरूरी है या एक में ही काम करना जरूरी है, कहाँ पर ऑप्टिक वेसिकल में जरूरी है या हेरेक्टोडम में जरूरी है। हमने पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने प्रूव किया कि ऑप्टिक वेसिकल में पैक सिक्स काम कर काम नहीं होता है। ओके, सो यहाँ पर हमने देखा ऑप्टिक वेसिकल भले ही पैक सिक्स माइनस है लेकिन हेरेक्टोडम पैक सिक्स पॉजिटिव होने के कारण दोनों तरफ लेंस बने। सो लेंस आर फॉर्म्ड। इसका मतलब क्या है, पैक सिक्स ऑप्टिक वेसिकल में काम करना जरूरी नहीं है। कहाँ पर काम करना जरूरी है, हेरेक्टोडम में काम करना जरूरी है। इन रिकॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव किया गया कि पैक सिक्स कहाँ पर बनना जरूरी है और किन सेल्स में बनना जरूरी होता है, दैट इज इन द हेड एक्टोडम। ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट्स हमने कर कर प्रूव किया है। सो दिस इज अबाउट द रिकॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट विच प्रूव दैट, व्हाट इज द प्रूफ, पैक सिक्स एक्सप्रेशन इज इंपॉर्टेंट इन हेड एक्टोडम। पैक सिक्स एक्सप्रेशन इज इंपॉर्टेंट इन हेड एक्टोडम बट नॉट इन ऑप्टिक वेसिकल। दोनों में लगता तो दोनों एक्सपेरिमेंट में लेंस नहीं बनना चाहिए था। इसका मतलब ऑप्टिक वेसिकल में पैक सिक्स एक्सप्रेशन नहीं हो तो भी चलता है लेंस बनने के लिए। सो दिस इज अबाउट
पैक्सिक्स विच इज रिक्वायरमेंट. नाउ आई लेंस डेवलपमेंट और आईज डेवलपमेंट इज एन आउटपुट ऑफ सिक्वेंशियल इंडक्शन इवेंट्स. ओके सो डिस्कस इट बाय डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. बट फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट जो इंडक्शन इवेंट होती है, फर्स्ट इंड्यूसर जो होता है ऑप्टिक वेसिकल जो लेंस प्लैकोड पर काम करता है. सो फर्स्ट हु इज द इंड्यूसर? फर्स्ट इंड्यूसर इज ऑप्टिक वेसिकल रिलीज टू सिग्नल्स BMP4, FGF8, एंड वेयर डज दिस सिग्नल वर्क? दैट इज ऑन द लेंस प्लैकोड. सो लेंस प्लैकोड ना कहते हुए हम इसे कह सकते हैं हेड एक्टोडर्म. इट विल वर्क ऑन हेड एक्टोडर्म जो आगे चलकर इन सिग्नल्स की एक्टिविटी वजह से हेड एक्टोडर्म इन सेल्स की एक्टिविटी की वजह से सॉरी इन सिग्नल्स की एक्टिविटी की वजह से यहाँ पर अब कुछ जीन्स एक्सप्रेस होना स्टार्ट होते हैं. देर इज एक्सप्रेशन ऑफ ऑलरेडी देर वॉज अ PAX6 बट उसके साथ अब SOX2 भी एक्सप्रेस होना स्टार्ट होता है और LMAF का एक्सप्रेशन स्टार्ट होता है. जिन सेल्स को BMP4 और FGF8 मिला है उनमें तीन सेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्सप्रेस होना स्टार्ट करते हैं. इन सेल्स का आगे चलकर अब कन्वर्जन होता है दूसरे टाइप के सेल्स में. इन्हें अब लेंस स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन होने के कारण अब लेंस फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है. दिस इज कॉल्ड एज लेंस प्लैकोड. अब तक लेंस बना नहीं है लेकिन लेंस फॉर्मेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई. सो हेड एक्टोडर्म का एक पर्टिकुलर एरिया लेंस प्लैकोड में कन्वर्ट हुआ. नाउ दिस लेंस प्लैकोड वर्क लाइक इंड्यूसर. अब तक ऑप्टिक वेसिकल इंड्यूसर था. सो ऑप्टिक वेसिकल वॉज इंड्यूसर but now lens placode work like inducer. It will release some unknown signals to the underneath optic vesicle. इसके नीचे जो optic vesicle है इस पर act करना start करता है. so second induction event कहाँ से start हो रही है? इसमें inducer कौन है? second induction event में inducer कौन है? lens placode. और कौन responder है? who is the responder? ऑप्टिक वेसिकल विल बी द रेस्पॉन्डर. जो पहले इंड्यूसर का काम कर रहा था, जो बोलने का काम कर रहा था, अब सुनने का काम कर रहा है. जो पहले सुन रहा था अब बोल रहा है. दिस इज अ टू वे कम्युनिकेशन. इट मीन्स जो पहले बोल रहा था इसने इंडक्शन किया, अब जो पहले सुन रहा था उसने इंडक्शन किया. इसे रेसिप्रोकल इंडक्शन कहा जाएगा. सो रेसिप्रोकल इंडक्शन में इंड्यूसर कौन है? लेंस ब्लैकआउट. और रिसीवर कौन है? रेस्पॉन्डर कौन है? ऑप्टिक वेसिकल. इस सिग्नल के प्रेजेंस में अब ऑप्टिक वेसिकल्स में कुछ चेंजेस होकर यह कन्वर्ट होता है ऑप्टिक कप में. सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ऑप्टिक कप. उसके साथ ही लेंस प्लैकोड सिर्फ ऑप्टिक वेसिकल को इंड्यूस नहीं करता है. इसके ऊपर जो हेड एक्टोडर्म का पार्ट रहेगा इन पर एक्ट करेगा उन कुछ सिग्नल्स का यूज कर और इन्हें कॉर्निया स्पेसिफिक जीन्स एक्सप्रेशन करवाएगा. so optic vesicle sorry lens placode can work like inducer for ectoderm as well as optic vesicle. इससे कॉर्निया भी बन सकता है और इससे ऑप्टिक कप भी बनता है. हम आगे डिस्कस करेंगे ऑप्टिक कप आगे चलकर मॉडिफाई होकर रेटिना में कन्वर्ट होगा. रेटिना में भी दो लेयर्स होते हैं, न्यूरल रेटिना और पिगमेंटेड रेटिना. सो जो रेटिना का पार्ट है इसमें अब ऑप्टिक कप कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है. सो यहाँ पर मल्टीपल इवेंट्स है. इंडक्शन, रेसिप्रोकल इंडक्शन और वापस इंडक्शन. सो सीरीज ऑफ इंडक्शन लीड टू आई लेंस फॉर्मेशन और आई डेवलपमेंट. ओके सो हाउ डज इट अकर? कैसे होता है? सो इसे समझने के लिए हम यहाँ पर एक सिग्नल सॉरी यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन डिस्कस करेंगे. जो हमने डिस्कस किया है कि एक्चुअली जो प्रोसेस है आई लेंस इंडक्शन की है हेड एक्टोडर्म और ऑप्टिक वेसिकल के बीच में जो भी सिग्नल सिग्नलिंग प्रोसेस इन पर डिपेंड है. दिस इज द एरिया नोन एज हेड एक्टोडर्म. इसे हेड एक्टोडर्म का एरिया, इसे ट्रंक एक्टोडर्म का एरिया कहा जाएगा. दिस इज द ट्रंक एक्टोडर्म. दिस इज द ट्रंक एक्टोडर्म एंड दिस इज द हेड एक्टोडर्म. यह हेड एक्टोडर्म का पार्ट है और यहां पर इंटरनल साइड में न्यूरल ट्यूब बन चुकी है. सो दिस इज द पार्ट ऑफ न्यूरुलेशन. न्यूरल ट्यूब बनना, न्यूरल क्रिस्ट सेल्स का बनना, ये जो पार्ट है न्यूरुलेशन का पार्ट है. सो विल डिस्कस अबाउट द न्यूरुलेशन इन इनकमिंग लेक्चर्स. ये आगे चलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है.
न्यूरल ट्यूब, और जो न्यूरल क्रिस्टल्स होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। सो दिस इज द न्यूरल ट्यूब फॉर्म्ड, जिससे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होता है। बट इस न्यूरल ट्यूब में ही कुछ पार्ट है जो न्यूरो एक्टोडर्म का ही पार्ट है। सो दीज आर दिस सेल्स, एक्चुअली दे आर induced by some cells in the gastrulation or during the gastrulation, so that they will be converted into optic vesicle. So ab ye optic vesicle mein convert ho chuke hain, aur jo ye part hai hepatoderm ka part hai, aur as I have discussed ki aap sirf itna part hum discuss karenge, so we will discuss about only this part. Jo process is side mein ho rahi hai usi tarah ki process is side mein hogi, but samajhne ke liye हर बार दो स्ट्रक्चर ड्रॉ न करते हुए सिर्फ एक स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट ओनली दिस पार्ट, इस पार्ट को ड्रॉ कर कर डिस्कस करें। सो दिस इज ऑप्टिक वेसिकल, सो दिस इज द ऑप्टिक वेसिकल, सेल्स ऑफ द ऑप्टिक वेसिकल, और ये जो पार्ट है इसी, दिस इज द पार्ट ऑफ हेड एक्टोडर्म। ओके, इतना पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एरेक्टोडम और ऑप्टिक वेसिकल। यहां से कुछ सिग्नल्स रिलीज हो रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ सिग्नल्स रिलीज्ड? जैसे हमने डिस्कस किया दो सिग्नल्स रिलीज हो रहे हैं, कौन से सिग्नल्स है? दो, BMP4 एंड FGF8। कहां पर एक्ट करेंगे? ओवरलाइंग हेड एक्टोडर्म पर एक्ट करेंगे, यहाँ पर एक्ट करेंगे। बाकी सेल्स तक ये रीच नहीं होंगे, सिर्फ हेड एक्टोडर्म के इंटर एरिया में नहीं रीच होंगे, सिर्फ उस सेल्स पर रीच होंगे जो इनके नियर बाय है। इंडक्शन इज एक्चुअली अ पैराक्राइन टाइप ऑफ सिग्नलिंग, इट इज नॉट एंडोक्राइन सिग्नलिंग, बहुत दूर तक नहीं जाएंगे। बाकी हेड एक्टोडर्म के एरिया को इसने कुछ सिग्नलिंग नहीं की है, सिर्फ ग्रीन एरिया जो है इनको सिग्नल मिल रहा है। ओके, सो वंस दिस सेल्स रिसीव द सिग्नल, ऑलरेडी दे वेर एक्सप्रेसिंग वन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, दैट इज PAX6, दैट्स व्हाई दे वेर हैविंग कॉम्पिटेंसी। बट उसके साथ आप BMP4 की वजह से यहाँ पर SOX2 एक्सप्रेस होना स्टार्ट होता है, और इनमें LMAP भी एक्सप्रेस होना स्टार्ट होता है, LMAP। अब तीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का इन कॉम्बिनेशन की वजह से इन जो ग्रीन सेल्स है जिन पर एक्चुअली ऑप्टिक वेसिकल ने एक्ट किया है, इनमें लेंस स्पेसिफिक जीन्स एक्सप्रेस होना स्टार्ट होता है। सो देयर इज अ स्टार्ट ऑफ लेंस स्पेसिफिक जीन्स एक्सप्रेशन, लेंस स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन होना स्टार्ट होता है। इनमें साइज इंक्रीज होती है, इन सेल्स में इन जो इस सेल जो सेल्स है ये कॉलमनार टाइप के सेल्स बनते जाते हैं, इनकी साइज एनलार्ज होती जाती है, इनमें स्वेलिंग होने स्टार्ट होती है, एंड दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लेंस प्लैकोड। इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो, there is a formation of a structure like this, जो next structure है यहाँ पर ऐसा बनना start होता है, यहाँ पर कुछ in side growth होना start होती है due to the changes in the shape of the cell, this is the part of erectoderm का ही part है, लेकिन कुछ cells जिन पर signals ने act किया था optic vesicles के, ऑप्टिक वेसिकल के जो सिग्नल्स थे इनके सिग्नल्स की वजह से, दिस इज द ऑप्टिक वेसिकल, ऑप्टिक वेसिकल की तरफ से जो सिग्नल्स आए थे इनकी वजह से यहाँ पर कुछ चेंजेस हो चुके हैं। सो दीज आर दी सेल्स, दीज आर फॉर्मिंग द लेंस, एक्टोडर्म के सेल्स है, अपर लाइन हेड एक्टोडर्म के सेल्स जो हमने ग्रीन कलर से ड्रॉ किए हैं। सो दीज आर दी सेल्स, दे आर हैविंग चेंज, नाउ इट इज कॉल्ड एज लेंस प्लैकोड, इसे कहा जाएगा लेंस प्लैकोड। ओके, अब तक ऑप्टिक वेसिकल जो था सिग्नलिंग का काम कर रहा था, इंड्यूसर का काम कर रहा था, लेकिन अब लेंस प्लैकोड बन चुका है, और बाकी जो पार्ट है ओवरलाइंग एक्टोडर्म जो है, एक्टोडर्म जिस पे कुछ सिग्नल अभी तक मिले नहीं है, वो अभी यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि इस कुछ सिग्नल मिलेगा तो हम कुछ पर्टिकुलर पार्ट में कन्वर्ट होंगे, या अदरवाइज इनका बाय डिफॉल्ट फेट तो होगा ही, दैट इज एपिडर्मिस। ओके, अब जो लेंस प्लैकोड है यहां से सिग्नलिंग करना स्टार्ट करता है, नाउ इट विल रिलीज सम सिग्नल्स, पर मेनली इट विल एक्ट ऑन ऑप्टिक वेसिकल। अब तक ऑप्टिक वेसिकल सिग्नल रिलीज कर रहा था, सिग्नल रिसीव करने का काम हेरेक्टोडम कर रहा था, लेकिन हेरेक्टोडम का पार्ट जो लेंस प्लैकोड में कन्वर्ट हुआ है या इंड्यूसर का काम करना स्टार्ट करता है, इट विल रिलीज द सिग्नल एंड द सिग्नल्स आर रिसीव्ड बाय द ऑप्टिक वेसिकल। सिग्नल्स रिसीव करने के बाद
ऑप्टिक वेसिकल में भी अब चेंजेस होना स्टार्ट होते हैं। सो वंस दिस सिग्नलिंग आकर दिस सिग्नल्स आर रिसीव्ड, व्हाट आर द सिग्नल दैट इज नॉट क्लियर, बट सिग्नल रिसीव करने के बाद जो ऑप्टिक वेसिकल होता है अब ऑप्टिक कप में कन्वर्ट होता है। सो दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑप्टिक कप। तब तक लेंस प्लैकोड में चेंजेस होना कंटिन्यू होते हैं और लेंस प्लैकोड सर्कुलराइज फॉर्म में यहाँ से हेड एक्टोडर्म से अब ब्रेक होकर एक सर्कुलर सॉलिड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। दिस इज द लेंस प्लैकोड। अभी तक लेंस नहीं बना है, लेंस प्लैकोड है, बट इसने कुछ सिग्नल देकर जो न्यूरल एक्टोडर्म सॉरी जो ऑप्टिक वेसिकल था ऑप्टिक वेसिकल में कुछ चेंजेस करना स्टार्ट किया है। सो दीज आर दी चेंजेस विच आर अकरिंग इन द ऑप्टिक वेसिकल। और ऑप्टिक वेसिकल में ऐसा कप लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे ऑप्टिक कप कहा जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिक कप। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ऑप्टिक कप। ओके, दिस इज द लेंस प्लैकोड। जो अब लेंस प्लैकोड से कुछ सिग्नल हेड एक्टोडर्म के लिए जिसको कुछ भी सिग्नल नहीं मिला था पहले ऑप्टिक वेसिकल से जो येलो कलर में हमने दिखाया इनके लिए कुछ सिग्नल्स आप रिलीज करना स्टार्ट करता है। अब ये भी सिग्नल जो है हर एक हेड एक्टोडर्म के सेल्स पे नहीं एक्ट करेगा, कुछ सेल्स है जो यहाँ पर प्रेजेंट है इन सेल्स पर लेंस प्लैकोड के सिग्नल आप काम करेंगे। दीज सेल्स विच आर रिसीविंग द सिग्नल फ्रॉम लेंस प्लैकोड इन फ्यूचर दे विल कन्वर्ट इन टू द कॉर्निया। अब ऑप्टिक वेसिकल दोनों को सिग्नल लेकर दोनों चेंजेस करवा रहा है, कॉर्निया फॉर्मेशन एंड ऑप्टिक कप फॉर्मेशन। दिस प्रोसेस विल रिमेन कंटिन्यू कर हम यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। फाइनली जो ऑप्टिक कप होता है ऑप्टिक कप विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, टू डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स, दो लेयर्स में यह कन्वर्ट होता है। सो यू कैन रीड्रॉ द स्ट्रक्चर। सो नाउ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ टू लेयर्स स्ट्रक्चर। सो दिस इज द ऑप्टिक कप फॉर्म्ड। और इस ऑप्टिक कप में ऑलरेडी जो लेंस ऑफ द कंप्लीट बनता हुआ आया है, दिस इज द लेंस विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम द हेरिक्टोडम, दिस इज होल्ड बाय द ऑप्टिक कप। और इस ऑप्टिक कप के बाहर कुछ सेल्स थे हेरिक्टोडम के सेल्स थे, दिस आर द सेल्स ऑफ हेरिक्टोडम। इनमें से कुछ सेल्स में चेंजेस हो चुके हैं, दिस चेंजेस शोन लाइक दिस। यहाँ पर कुछ सेल्स है इनमें चेंजेस हो चुके हैं, इन सेल्स में चेंजेस होकर अब इसका कॉर्निया में कन्वर्जन स्टार्ट हुआ है। There is a start of this cells to get converted into the cornea. This is the cornea development. This is the lens. And यहाँ पर अब optic cup में जो यहाँ पर जो layer है, this layer is called as the pigmented retina. और ये जो part है इसे कहा जाएगा neural retina. और जो ये part है हम इसे discuss करेंगे optic नर्व, इट इज नोन एज ऑप्टिक नर्व। जो बंडल ऑफ न्यूरॉन्स है जो सेल मेनली फोटो रिसेप्टर से जो सिग्नल कलेक्ट होते हैं, मेनली एक्शन पोटेंशियल फायर होता है, इसे कलेक्ट कर ब्रेन तक पहुंचाने का काम ऑप्टिक नर्व करता है। सो आगे चलकर अब कंप्लीट डेवलपमेंट हो गया एंड दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ आई दैट इज हैविंग कॉर्निया। सभी स्ट्रक्चर अब बन सकते हैं। सो दिस इज द हेड एक्टोडर्म पार्ट एंड दिस इज द कॉर्निया। यहाँ पर अब कॉर्निया बन चुका है, लेंस भी बन चुका है। और बनते समय अब जो कॉर्निया के जो सेल्स होते हैं ना, कुछ कॉर्नियल सेल्स दे स्टार्ट टू सिक्रेट द कोलेजन। कॉर्निया के सेल्स में अब कोलेजन का सिक्रेशन स्टार्ट होता है यहाँ पर। सो इन रेस्पॉन्स टू लेंस प्लैकोड सिग्नल्स कोलेजन फॉर्मेशन आकर एंड कोलेजन से यहाँ पर कुछ मेसेनकाइमल सेल्स माइग्रेट करते हैं। सो देयर इज सम मेसेनकाइमल सेल्स दे एंटर इन द एरिया। और यहाँ पर आकर ये हाइड्रोलाइज एंजाइम सिक्रेट करना स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोलाइज एंजाइम ब्रेक डाउन करता है, उसके पाइरोक्सिन का भी सिक्रेशन होता है, दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर। यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं।
और जो लेंस है इसमें भी अब ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है, दिस इज द लेंस विच इज अ ट्रांसपेरेंट लेंस, ओके। और रेटिना भी बन चुका है, सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ रेटिना विथ टू डिफरेंट लेयर्स, यहां पर दो लेयर का रेटिना बन चुका है, न्यूरल रेटिना और पिगमेंटेड रेटिना। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ आई लेंस इंडक्शन, दिस इज द लेंस, कॉर्निया एंड रेटिना, तीन जो मेजर पार्ट है इनका बनना हमने यहाँ पर डिस्कस किया। और अब तक जो भी क्वेश्चंस आए आईज डेवलपमेंट में, क्योंकि टॉपिक है आई लेंस इंडक्शन मीन्स आईज और कॉर्निया और रेटिना का बनना, सो यहाँ तक आपको याद रखना है। सो एक्सपेरिमेंट्स भी इससे रिलेटेड आपको याद रखना है। सो दिस इज अबाउट द आई लेंस इंडक्शन प्रोसेस, ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह भी बहुत सारे एग्जाम्स में इस पे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दैट इज अबाउट द डिक्टियोस्टिलियम डिस्कॉइडम, विच इज एक्चुअली अ मॉडल ऑर्गेनिज्म फॉर द स्टडी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम यूनिसेलुलर टू मल्टी सेलुलर नेचर। हमें पता है कि इवोल्यूशन के दौरान फर्स्ट जो लाइफ फॉर्म्स ओरिजिनेट हुए थे, दीज लाइफ फॉर्म्स वेर यूनिसेलुलर लाइफ फॉर्म्स, बट आगे चलकर मल्टी सेलुलरिटी इनमें कैसे इंट्रोड्यूस हुई इसकी स्टडी हमें करना है। सो हाउ ग्रेजुअली मल्टी सेलुलर नेचर वॉज इवॉल्व, हाउ इट वॉज इवॉल्व, इट कैन बी स्टडीड इन अ मॉडल ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज डिक्टियोस्टिडियम डिस्कॉइडम, जो एक स्लाइमोड है, सॉइल में रहता है। इसे मिक्स अमीबा भी कहा जाता है, अमीबा भी कहा जाता है। सो दीज आर द मिक्स अमीबा व्हिच आर बिलोंगिंग टू द प्रॉब, देयर इज अ पार्ट स्लाइमोड्स, दीज आर द प्रोटिस्ट, एक्चुअली दे आर लिविंग द सॉइल and these are actually unicellular haploids normal in normal conditions. These myxamiba, they are unicellular haploids in normal conditions. Normal conditions, जब normal moisture हो, normal nutrition conditions हो, there is no any stress, in that condition they are unicellular haploid. They live in the soil and they mainly consume the food in the form of bacteria present in the soil. जो सॉइल में बैठ रहा है जैसे इकोलाय है, जिसमें अदर जो बैक्टीरिया है इनको एंडोसाइटोसिस से एंगल्फ करना और इन्हें खाना, इसका काम करते हैं प्रोटीज जो डिक्टियोस्टिलियम डिस्कॉइडम है, ओके। बट जब भी स्ट्रेस आएगा, हम डिस्कस करेंगे मेनली न्यूट्रिशनल स्ट्रेस और ह्यूमिडिटी से रिलेटेड जो स्ट्रेस होता है, ड्राई कंडीशन आई है, न्यूट्रिशन खत्म हो चुका है, सॉइल में बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है, तब जो डिक्टियोस्टिलियम डिस्कॉइडम होते हैं, जो यूनिसेलुलर नेचर वाले हैं, हैप्लॉइड यूनिसेलुलर होते हैं, initially they were feeding in the ground, so they were living independently, but they are having coordination in between them. So this is the unicellular condition. In a normal conditions, normal conditions is normal temperature, normal nutrients, नॉर्मल बाकी जो भी चीजें हैं, नॉर्मल जब हो, ह्यूमिडिटी नॉर्मल है, तब ये यूनिसेलुलर नेचर वाले हैप्लॉइड यूनिसेलुलर होते हैं। लेकिन जब भी स्ट्रेस आएगा हम डिस्कस करेंगे, सो इन द स्ट्रेस कंडीशन व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेस, दैट इज मेनली द ह्यूमिडिटी स्ट्रेस एंड द न्यूट्रिशनल स्ट्रेस। बाकी भी बहुत प्रकार के स्ट्रेस होते हैं, लेकिन न्यूट्रिशनल और ह्यूमिड स्ट्रेस होने के बाद अब इन सेल्स में एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन बढ़ जाता है, एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन करना स्टार्ट करते हैं, और अल्टीमेटली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मिनी अराउंड 1 लाख सेल्स एक दूसरे के साथ, 1 लाख मिक्सामीबा एक दूसरे के साथ एसोसिएट होकर एग्रीगेट बनाते हैं, और यह एग्रीगेट आगे चलकर एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है जिसे फ्लोटिंग बॉडी कहा जाएगा, जिसमें अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। एक स्पोरेंजियल बैग होती है जिसमें लोअर कैप अपर कैप है, एक स्टॉक होता है और एक बेसल डिस्क है। सो दिस इज द बेसल डिस्क जो ग्राउंड से एसोसिएट होता है, सबस्ट्रेटम से एसोसिएटेड है, दिस इज द स्टॉक। यहाँ पर अपर कप होता है जो स्पोरेंजियल बैग को टिप से अलग करता है, दिस इज द टिप। और यहाँ पर लोअर कप है जो स्पोरेंजियल बैग को स्टॉक से अलग करता है, और यहाँ पर स्पोरिंजल बैग है जिसमें जिसे सोरस कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट है। दिस इज अ मल्टी सेलुलर नेचर, मीन्स यूनिसेलुलर से यह मल्टी सेलुलर में कन्वर्ट हो सकता है जब स्ट्रेस आएगा। अब इस कन्वर्जन को स्टडी किया जाए तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं इवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ होगा, हाउ यूनिसेलुलर लाइफ वॉज ट्रांसफॉर्म इन टू द मल्टी सेलुलर लाइफ।
इसे स्टडी करना, इसका मतलब है इवोल्यूशन में यूनिसेल्युलर को मल्टीसेल्युलर में कैसे कन्वर्ट किया गया है, इसे स्टडी करना है। सो दैट्स व्हाई इट इज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म फॉर स्टडी ऑफ ट्रांजिशन ऑफ यूनिसेल्युलर टू मल्टीसेल्युलर लाइफ फॉर्म्स। डिक्टोस्टीलियम डिस्काइडम इट इज हैविंग थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइफ साइकिल्स। डिक्टोस्टीलियम डिस्काइडम में तीन प्रकार के लाइफ साइकिल्स होते हैं, वेजिटेटिव लाइफ साइकिल, सेक्सुअल लाइफ साइकिल एंड सोशल लाइफ साइकिल। नॉर्मली दे आर हैप्लॉइड्स, तो दिस इज द वन डिक्टोस्टीलियम डिस्काइडम व्हिच इज प्रेजेंट हियर। In normal conditions, this dictyostelium discoidum either by the process of mitosis and fission. Mitosis होता है, और हमें पता है mitosis is an equivalent type of cell division, और fission, fission से एक haploid dictyostelium discoidum से दो haploid dictyostelium discoidum बनेंगे। So identical clones are formed. There is no variation. This is called as vegetative life cycle. This is when the conditions are normal. जो conditions है normal conditions में ऐसी टाइप की लाइफ साइकिल होती है जिससे ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज कर सकते हैं, ग्रो हो सकते हैं। बट जब स्ट्रेस हो, वेन एवर देर इज अ स्ट्रेस लाइक अ टेम्परेचर स्ट्रेस, जैसे टेम्परेचर स्ट्रेस हो, सो वेन एवर देर इज अ टेम्परेचर स्ट्रेस और एनी अदर स्ट्रेस देन अदर देन द न्यूट्रिशन और ह्यूमिडिटी स्ट्रेस, कोई भी स्ट्रेस हो, स्ट्रेस के दौरान जो हैप्लॉइड मिक्सामीबा होता है, एक हैप्लॉइड मिक्सामीबा, दूसरा एक हैप्लॉइड, बहुत सारे मिक्सामीबा है, लेकिन फर्स्टली जिनको स्ट्रेस आएगा ये दो मिक्सामीबा एक दूसरे के साथ फ्यूजन करेंगे, जैसे फर्टिलाइजेशन के दौरान होता है, 2n न्यूक्लियस होता है। सो यहाँ पर अब 2n न्यूक्लियस बनेगा, दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 2n न्यूक्लियस। बाय द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड मिक्सामीबा देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2n डिप्लॉइड zygote like mixamoeba. Now this mixamoeba show cannibalism. बाकी जितने भी mixamoeba haploid होते हैं अब इन्हें engulf कर इन्हें digest करने का यह काम करेगा, so it show cannibalism, और इससे जो भी material मिलता है इसे खुद के surrounding में accumulate करता है, mainly it will accumulate the cellulose around it. Yet 2N वाला मिक्सामीबा है लेकिन इसके अभी सराउंडिंग में जो है सेल्यूलोज का एक्युमुलेशन स्टार्ट होता है व्हिच इज ऑब्टेन बाय द डिग्रेडेशन ऑफ अदर मिक्सामीबा, इट विल बिकम एनलार्ज, स्मॉल होता है इससे मैक्रोसिस्ट बनता है, सो इट विल लीड टू द एनलार्जमेंट। अभी से एक लार्ज मिक्सामीबा बना है जो डिप्लॉइड है, सो इट इज डिप्लॉइड इन नेचर, और इसके आजू बाजू में जो भी मेनली सेल्यूलोज का लेयर है, so this is the layer of cellulose for protection, this is a macrocyst formation. Okay, cannibalism means दूसरे जो भी similar species के individuals हैं इनको engulf करना, इसको इनको kill करना खुद के surveillance और development के लिए, so this is a cannibalism. cannibalism के साथ साथ ही यहाँ पर अब meiosis होगा, so there is a meiosis. meiosis से क्या बनते हैं, diploid cells से haploid cells बनेंगे, it means जो भी सिस्ट है मैक्रोसिस्ट, इस मैक्रोसिस्ट में, सो दिस इज द मैक्रोसिस्ट व्हिच इज सराउंडेड बाय सेलुलोज, इस मैक्रोसिस्ट में अब फोर हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे जो कि एक दूसरे से अलग अलग है, क्योंकि मियोसिस के दौरान अब क्रॉसिंग ओवर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से फोर हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, फोर हैप्लॉइड स्पोर्स, बट रिमेंबर दे आर नॉट जेनेटिकली सेम, दे मे बी जेनेटिकली डिफरेंट। अब इस मैक्रोसिस्ट की लाइसिस होती है और इन स्पोर्स को वापस हैप्लॉइड फॉर्म में सॉइल में रिलीज किया जाता है। अब इससे फायदा क्या हुआ, वॉट वॉज द बेनिफिट, और वॉट इज द बेनिफिट, बेनिफिट इज दैट इनिशियल जो स्पोर्स थे उनके जेनेटिकली वो वेरिएशन वाले नहीं थे, इस मियोसिस की वजह से इनमें वेरिएशन आते हैं, इनमें अब अडाप्टेशन का पोटेंशियल बढ़ जाता है, सो दे आर मोर अडाप्टेबल, मीन्स कोई ना कोई मिक्स अमीबा इस स्ट्रेस में सर्वाइव हो सकता है, अदरवाइज रिप्रोडक्शन सेक्सुअल वे से नहीं हुआ तो सभी क्लोन्स रहेंगे, होगी तो सभी की डेथ हो गई, होगी तो सर्वाइवल सभी की हो सकती है, बट चांसेस कम होते हैं सर्वाइवल के। चांसेस बढ़ाने के लिए वेरिएशन इंट्रोड्यूस करना, और वेरिएशन इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या करना जरूरी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना जरूरी है जिसमें फ्यूजन आता है और बाद में गैमेटोजेनेसिस मींस मियोसिस भी आती है, सो दिस इज अ सेक्सुअल टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल लाइफ साइकिल, because we are interested in this animal, this organism, not animal, this is an organism, for knowing how unicellular life is
ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द मल्टी सेलुलैरिटी। ये जो लाइफ साइकिल होती है जिसमें यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म्स दिखाई दे सकते हैं डिक्टियोस्टेडियम के, दैट इज अ सोशल टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। जो सोशल लाइफ साइकिल है इसका 24 आवर्स का टाइम पीरियड होता है, इट स्टार्ट्स एट दिस टाइम, तो 24 घंटे तक दूसरी लाइफ साइकिल स्टार्ट कर सकते हैं। टोटल सोशल लाइफ साइकिल के लिए 24 आवर्स लगते हैं। ओके, व्हेन डज द सोशल लाइफ साइकिल कैरीड आउट बाय द डिक्टियोस्टेडियम? इट इज कैरीड आउट व्हेनेवर देयर इज अ स्टारवेशन कंडीशन। Once it start, it will be completed within 24 hours. Or social life cycle may mean the, हम discuss करेंगे यहाँ पर, firstly aggregation होना start, and the first step it will occur social life cycle occur in major steps, that is aggregation. पर हम discuss करेंगे aggregation के दौरान एक finger like structure बनता है जिसे mound structure कहा जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा डिफरेंशिएशन स्टार्ट होना स्टार्ट होता है, इसमें एंटीरियर पोस्टेरियर बनते हैं जिसे स्लग फॉर्मेशन कहा जाता है। और स्लग फॉर्मेशन के दौरान दो तरह के सेल्स डिफरेंशिएट होते हैं, प्री स्टॉक सेल्स और प्री स्पोर सेल्स। देयर इज अ स्लग फॉर्मेशन, दिस इज अ सेकंड थिंग व्हिच ऑकर ड्यूरिंग द एग्रीगेशन। और एग्रीगेशन के दौरान ही हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन भी होता है। डिफरेंशिएशन मीन्स व्हाट? कोई अनस्पेशलाइज सेल है जो मिक्सामियोबा है, इन मिक्सामियोबा को दो तरह के सेल्स में डिफरेंशिएट किया जाता है। कुछ सेल्स अराउंड 20% मिक्सामियोबा सेल्स जो प्रीस्टॉक सेल्स में कन्वर्ट होते हैं डिफरेंशिएशन से। जो मिक्सामियोबा है, तो 1,00,000 मिक्सामियोबा होंगे तो उसमें से 20% प्रीस्टॉक सेल्स में कन्वर्ट होंगे और इसमें से 80% प्रीस्पोर सेल्स में कन्वर्ट होंगे। दिस इज अ डिफरेंशिएशन जो एग्रीगेशन के दौरान, सॉरी, जो माइग्रेशन के दौरान होता है। सो दिस इज नॉट एग्रीगेशन, ड्यूरिंग द माइग्रेशन। ओके, सेकंड स्टेप होती है माइग्रेशन। माइग्रेशन के लिए स्लग स्ट्रक्चर बनना जरूरी है। नाउ वंस द स्लग स्ट्रक्चर फॉर्म आफ्टर द एग्रीगेशन, इट विल माइग्रेट, और माइग्रेट लाइट की तरफ होता है या ह्यूमिड एरिया की तरफ होता है या न्यूट्रिशनल एरिया की तरफ होता है, जिसके दौरान डिफरेंशिएशन होता है। वंस डिफरेंशिएशन आकर टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर फॉर्म्ड, प्रीस्पोर सेल्स एंड प्रीस्टॉक सेल्स। उसमें से जो प्रीस्पोर सेल्स हैं वो अब स्प्रेड होना स्टार्ट होते हैं और प्रीस्टॉक सेल्स राइज होकर एक मैक्सिकन हैट लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ओके, सो सिंपली एग्रीगेशन में माउंट स्ट्रक्चर बनेगा। पहले तो स्ट्रीमलाइंड बॉडी स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रीमलाइन बॉडी स्ट्रक्चर बनने के बाद माउंट स्ट्रक्चर बनेगा जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। उसके बाद स्लग फॉर्मेशन होगा, स्लग के दौरान डिफरेंशिएशन माइग्रेशन स्टार्ट होगा, अल्टीमेटली डिफरेंशिएशन के बाद मैक्सिकन हैट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। मैक्सिकन हैट लाइक स्ट्रक्चर बनने के बाद कल्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। सो देयर इज अ कल्मिनेशन प्रोसेस। कल्मिनेशन मीन्स जो मैक्सिकन हैट लाइक स्ट्रक्चर में दो तरह के सेल्स है, अब इनकी पोजिशन बदलना स्टार्ट करते हैं और अल्टीमेटली there is a formation of mature fruiting body. These are the steps. अब this fruiting body undergo the dehiscence, इसका lysis होगा और वापस spores release होना start करेंगे। Start हुई थी spores से, spores को एक दूसरे से attach कर streamline body बनी, mound बना, slug बना। So this is the whole life cycle which is require around 24 hours. हमें इसे इन डिटेल डिस्कस करना है। What type of signals are required for aggregation? What type of signals are required for differentiation? How differentiation is done? Culmination कैसे होता है? इन्हें हमें इन डिटेल डिस्कस करना है। Now let's talk about the life cycle of a Dictyostelium discoideum in detail. Okay. Normal conditions में, जो normal conditions है, यहाँ पर जो Dictyostelium discoideums होते हैं, हैप्लॉइड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द डिक्टियोस्टेरियम डिस्कॉइडम, दे आर प्रेजेंट इन द सॉइल इन द हैप्लॉइड फॉर्म एंड दे आर फीडिंग इन द ग्राउंड ऑन द बैक्टीरिया। अलग अलग डिक्टियोस्टेरियम डिस्कॉइडम्स हैं, जिसे मिक्सामियोबा भी कहा जाता है। ओके, ऑल आर हैविंग सम रिसेप्टर्स ऑन देम, सभी के पास एक रिसेप्टर प्रेजेंट है, या स्ट्रेस आने के बाद यह रिसेप्टर बन सकता है लार्ज अमाउंट में। सो दे ऑल द मिक्सामियोबा दे आर ऑलरेडी कॉम्पिटेंट टू टैकल विद द स्ट्रेस कंडीशन। सभी के पास एक साइक्लिक एएमपी सिग्नल के रिसेप्टर है, जिसे कहा जाता है कार वन रिसेप्टर, साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर वन।
सभी एग्जाम विभाग के पास कार्बन रिसेप्टर एक तो पहले होगा या स्ट्रेस कंडीशन आने के बाद बनना स्टार्ट होगा, इसकी अमाउंट भी बढ़ सकती है। हर एक मिक्सामीबा के साइटोसोल में, जो हैप्लॉइड मिक्सामीबा है, इनके साइटोसोल में एक एंजाइम प्रेजेंट है। सो दिस इज द एंजाइम कॉल्ड एज एडिनाइलेट साइक्लेज ए, हर एक सेल में, या यह एंजाइम बनना स्टार्ट होता है स्ट्रेस आने के बाद। सो वंस द स्ट्रेस इज देयर, स्ट्रेस आने के बाद वन बाय वन सेल्स में क्या बनना स्टार्ट होता है, और जो एक एंजाइम है दिस इज कॉल्ड एज, द एंजाइम इज नोन एज एडिनाइलेट साइक्लेज ए, दिस इज कॉल्ड एज एडिनाइलेट साइक्लेज ए। स्ट्रेस आने के बाद और एक एंजाइम यहाँ पर बनना स्टार्ट होता है, मेम्ब्रेन पर होता है एंजाइम, दिस इज द एंजाइम विच इज फॉर्म्ड ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ ईच एंड एवरी सेल ग्रेजुअली, सभी सेल्स पर एक ही बार आए ऐसे जरूरी नहीं है, लेकिन जिस सेल्स को स्ट्रेस आएगा उस सेल्स पर बायोकेमिकल चेंजेस होंगे, इसमें से एक एंजाइम इसके मेम्ब्रेन पर आकर बनना और रिक्रूट होना स्टार्ट होगा। व्हाट इज दिस एंजाइम नोन एज, साइक्लिक एएमपी फॉस्फोडाइस्टरेज, साइक्लिक एएमपी फॉस्फोडाइस्टरेज। ओके, सो दिस इज इवन प्रेजेंट इन केस ऑफ नॉर्मल टाइप ऑफ एक्सामिबा, बट व्हेनेवर देयर इज अ स्ट्रेस, स्ट्रेस आने के बाद, सो व्हेनेवर देयर इज अ स्ट्रेस, the amount of phosphodiesterase, amount of adenylate cyclase A, amount of carbon receptor increases. सभी टाइप के रिसेप्टर, सभी टाइप के एंजाइम्स में चेंजेस होते हैं, देयर इज अ चेंज इन बायोकेमिकल एक्टिविटी। और यहाँ पर अब फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होती है लाइफ साइकिल की, सोशल लाइफ साइकिल की, दैट इज एग्रीगेशन, देयर इज अ स्टार्ट ऑफ एग्रीगेशन। एग्रीगेशन के लिए एक दूसरे से अटैच होना जरूरी है, तो स्ट्रेस आने के बाद, व्हेनेवर देयर इज अ स्ट्रेस, इन रिस्पांस टू स्ट्रेस, दीज ऑल दिस मिक्सामीबा, दे स्टार्ट टू एक्सप्रेस सम ग्लाइकोप्रोटीन्स ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सभी मिक्सामीबा अब ग्लाइकोप्रोटीन्स को एक्सप्रेस करना स्टार्ट करते हैं इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। व्हाट आर द ग्लाइकोप्रोटीन, फर्स्ट इज डिस्कैड, डिक्टियोस्टेलियम कैडहेरिन, जो हमें पता है मल्टी सेलुलर सेल्स, मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म्स में एक दूसरे को सेल्स को एक दूसरे से होल्ड करने के लिए अलग अलग सेल एडेजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे सिलेक्टिन्स है, कैडहेरिन्स है, इंटेग्रिन्स है, आईकैम्स है। ओके, उसी तरह अब इन एक दूसरे से, इन सेल्स को एक दूसरे से अटैच करने के लिए इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन से रिक्रूट होना स्टार्ट होते हैं। वन द स्ट्रेस विल बी देयर, वन इज अ डिस्कैड, डिस्कैड इज लाइक अ कैडहेरिन, कैडहेरिन ऑफ द डिक्टियोस्टेलियम। ओके, इट इज अ होमोलॉग ऑफ कैडहेरिन। साथ साथ इन पर और एक प्रोटीन एक्सप्रेस होना स्टार्ट होता है जिसे कहा जाएगा डिस्कॉइडम, डिस्कॉइडम जो का एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन है, एक दूसरे को एक दूसरे सेल्स को एक दूसरे के साथ अटैच करने के लिए हेल्प करता है। इट इज अ होमोलॉग ऑफ फाइब्रोनेक्टिन, हमें पता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का एक मेजर प्रोटीन है फाइब्रोनेक्टिन। इस तरह से यहाँ पर डिस्कॉइडम भी बनना स्टार्ट होता है, इट इज रिलीज आउटसाइड द सेल, सीक्रेटेड बाय द सेल्स। मीन्स जैसे मल्टी सेलर लाइफ फॉर्म्स में अलग अलग सेल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनकर सेल्स का एग्रीगेशन होता है, उसी तरह लिक्टोस्टेलियम डिस्कॉइडम में भी यूनिसेलर लाइफ फॉर्म से मल्टी सेलर लाइफ फॉर्म बनने के लिए सेल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बनना जरूरी है। स्ट्रेस आने के बाद ये मॉलिक्यूल बनना स्टार्ट होते हैं। सभी सेल्स को एक ही बार स्ट्रेस आए जरूरी नहीं है, कुछ सेल्स है जो फर्स्टली स्ट्रेस को सेंस कर सकते हैं। ओके, there are some cells, they firstly sense the stress, they will sense the absence of food. Food absent कहाँ पर है? Absence of food is sensed by particular cell. Consider these are the cells. कुछ cells हैं जो जिन्होंने food की absence ही sense की है. So these are the cells. जिन cells ने food की absence ही sense की है, अब इन cells से एक adenylate cyclase enzyme act काम करना start करेगा और एक सिग्नल यहाँ से रिलीज होना स्टार्ट होगा। दिस इज द सिग्नल प्रोड्यूस बाय दोस सेल्स विच वेयर फर्स्टली सेंस द स्ट्रेस इनिशियली। रिमेंबर ऑल दिस सेल्स वर डिवाइडिंग बाय द माइटोसिस प्रोसेस, सभी सेल माइटोसिस से डिवाइड कर रहे थे, लेकिन अब इन सेल्स ने एक सिग्नल रिलीज करना स्टार्ट किया। जिन सेल्स ने क्या किया है, स्ट्रेस सेंस किया है। व्हाट इज द सिग्नल रिलीज फॉर एग्रीगेशन, साइक्लिक एएमपी इज द सिग्नल। और हर एक एग्जामीबा के पास अब तक स्ट्रेस के कारण साइक्लिक एएमपी का रिसेप्टर भी बन चुका है। साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर जो यहाँ पर प्रेजेंट है, कौन सा रिसेप्टर है, कार वन रिसेप्टर। ओके,
हर एक सेल के पास एसोसिएशन के लिए कुछ एडहेजन मॉलिक्यूल्स भी बन चुके हैं। साइक्लिक एएमपी रिलीज बाय दीस सेल्स, दे विल बाइंड ऑन द रिसेप्टर्स, जो सराउंडिंग में जो मिक्स अमीबा प्रेजेंट है रिसेप्टर्स पर अब साइक्लिक एएमपी बाइंड होते हैं। कार्बन रिसेप्टर बिलोंग टू जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर फैमिली। कार्बन रिसेप्टर पर साइक्लिक एएमपी बाइंड होने के बाद, सो बाइंडिंग ऑफ कार्बन साइक्लिक एएमपी ऑन द कार्बन रिसेप्टर लीड टू द इंक्रीज इन द कैल्शियम एंड कॉन्सेंट्रेशन इन साइड द साइटोसोल। एएमपी का कार्बन पर रिसेप्टर पर और कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन चेंज होना, चेंज इन द कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन लीड टू रीअरेंजमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, सॉरी साइटोस्केलेटन, रीअरेंजमेंट ऑफ साइटो स्केलेटन। साइटोस्केलेटन रीअरेंज होने के कारण अब इन सेल्स का एक दूसरे की डायरेक्शन में, मेनली दो सेल्स विच आर स्टार्ट फर्स्ट भी इनके डायरेक्शन में, ये साइक्लिक एएमपी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उस डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट होते हैं। सो दे नाउ स्टार्ट टू मूव, और मूवमेंट के लिए कैसे मूवमेंट होती है, चेंज इन साइटोसोलिक सॉरी साइटोस्केलेटन रीअरेंजमेंट और ड्यू टू द रीमॉडलिंग ऑफ द साइटोस्केलेटन मूवमेंट विल आकर। सभी सेल्स जिन्हों जिन्हों जिस जिस जिसने स्ट्रेस कंडीशन सेंस की है वह सेल अब माइग्रेट करना स्टार्ट करते हैं, और उसके साथ ही अब ये सेल माइग्रेट भी कर रही है इस डायरेक्शन में, सभी सेल्स माइग्रेट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, ऑल आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, बट अलॉन्ग विद द मूवमेंट दे देमसेल्स रिलीज साइक्लिक एएमपी। खुद तो मूव होना स्टार्ट हुए हैं लेकिन नेबर्स को कन्वे कर रहे हैं कि आपको भी आना है क्योंकि स्ट्रेस आपके पास भी आएगा, हमारे पास फूड खत्म हुआ है इसका मतलब आपके पास भी फूड खत्म होगा थोड़ी देर के बाद, सो विल प्रिपेयर योर सेल्फ, आपको माइग्रेट करना है हमारे पीछे पीछे। कहाँ जा रहे हैं ये सब जिन्होंने फर्स्टली स्ट्रेस कंडीशन सेंस किए थे। ऐसा कुछ नहीं है कि कहाँ पर एग्रीगेशन होगा ये डिसाइड करने वाला कोई पर्टिकुलर मिक्स अमीबा नहीं होता है, देयर इज नो एनी डोमिनेटिंग मिक्स अमीबा। स्ट्रेस जिस सेल को फर्स्ट आया है उस सेल ने सिग्नल सेंड किया, वहां पर एग्रीगेशन होगा। वेयर डज द एग्रीगेशन आकर, दिस इज नॉट डिसाइडेड, इट इज डिसाइडेड बाय द फर्स्टली स्ट्रेस सेंस्ड मिक्स अमीबा। मूवमेंट होकर अब मिक्स अमीबा एक दूसरे के आसपास पाइलअप होना स्टार्ट करते हैं, देयर इज अ पाइल ऑफ मिक्स अमीबा, एक दूसरे के आकर इंटरैक्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सम सेल एडहेजन मॉलिक्यूल, जैसे डिस्कॉइडम है, सी के दैट इज अ डिस्कैड है, और कुछ मिक्स अमीबा इन डायरेक्शन में मूव होना भी स्टार्ट कर रहे हैं। सो दीज आर द मिक्स अमीबा, दे आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ एग्रीगेशन एंड दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टार फिश शेप, जिसे स्ट्रीम लाइंड बॉडी कहा जाता है। सो ऑल आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, बट जो मूवमेंट होती है पल्स्ड फॉर्म में मूवमेंट होती है। ओके, दिस इज अ स्ट्रीम लाइंड स्ट्रक्चर फॉर्म बाय देम, स्ट्रीम लाइन स्ट्रक्चर। और जो और एक चीज है, मूवमेंट के दौरान मिक्स अमीबा ने, दिस इज द मिक्स अमीबा हैविंग रिसेप्टर कार्बन, यहाँ पर साइक्लिक एएमपी बाइंड हुआ, मूवमेंट स्टार्ट किया, इट विल स्टार्ट द मूवमेंट, कुछ डिस्टेंस पर यह मूव भी हुआ है, बट आगे चलकर ये मूवमेंट के लिए कौन सी प्रोसेस है, कीमोटैक्सिस। जब तक साइक्लिक एएमपी बाइंड तब तक ये मूव होगा, लेकिन साइक्लिक एएमपी बाइंड होने के कारण कार्बन रिसेप्टर है डीसेंसिटाइज हो जाता है, सो देयर इज अ डीसेंसिटाइजेशन ऑफ कार्बन रिसेप्टर। ओके, जैसे हमने यूनिट नंबर 4 में डिस्कस किया था, कोई भी लिगैंड रिसेप्टर पर ज्यादा देर तक बाइंड होने के कारण रिसेप्टर की सेंसिटिविटी चली जाती है। ओके, सो इस तरह यहाँ पर कार्बन पर साइक्लिक एएमपी बाइंड हुआ तब सेंसिटाइज था, इस वजह से माइग्रेशन भी हुआ, थोड़ी देर तक माइग्रेशन होते रहा, लेकिन उसके बाद रिसेप्टर में डीसेंसिटाइजेशन हुआ, सेंसिटिविटी लॉस हुई। अब सेंसिटिविटी वापस लाने के लिए थोड़ा सा इसे रुकना पड़ेगा, इट विल स्टॉप माइग्रेट, स्टॉप स्टॉप होकर यहाँ पर एक एंजाइम है साइक्लिक एएमपी फॉस्फोराइस्टरेज, जो साइक्लिक एएमपी को एएमपी के फॉर्म में रिलीज कर, वापस रिसेप्टर यहाँ से फ्री होगा। वंस द रिसेप्टर गेट फ्री, यहाँ से रिसेप्टर फ्री हो रहा है, इसका मतलब अब रिसेप्टर वापस क्या हुआ है, रेडी है साइक्लिक एएमपी को सेंस करने के लिए। थोड़ी देर रुकना पड़ा इस डिग्रेडेशन के लिए, और वापस यहाँ पर आकर एक साइक्लिक एएमपी हुआ और वापस माइग्रेशन स्टार्ट हुआ।
सो जस्ट आई वॉन्ट टू से जो भी मिक्स अमीबा इस डायरेक्शन की ओर इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, इस मूवमेंट को कंटिन्यूअस मूवमेंट ना कहकर इट इज अ डिसकंटिन्यूअस मूवमेंट, इट इज अ पल्स मूवमेंट, इट इज अ पल्स मूवमेंट, स्ट्रीमलाइन बॉडी बनती है. ओके, सो दिस प्रोसेस ऑफ एग्रीगेशन रिमेन कंटिन्यू, एग्रीगेशन की प्रोसेस ऑफ कंटिन्यू रहेगी और आगे चलकर एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे माउंड स्ट्रक्चर कहा जाता है. दिस इज अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म, दिस इज कॉल्ड एज अ माउंड स्ट्रक्चर. ओके, एग्रीगेट होकर अराउंड थाउजेंड्स ऑफ मिक्स अमीबा एक दूसरे से एग्री एसोसिएट होकर ये स्ट्रक्चर बना है जिसे माउंड स्ट्रक्चर कहा जाता है. इसमें अराउंड 1 लाख के आसपास मिक्स अमीबा प्रेजेंट है. एक्चुअली देवर इनिशियली यूनिसेलुलर, सभी हैप्लॉइड है. अब यहां पर 1 लाख के आसपास मिक्स अमीबा प्रेजेंट है. दिस इज द माउंड स्ट्रक्चर फाउंड, इट इज एन आउटपुट ऑफ एग्रीगेशन. ओके, एग्रीगेशन के लिए केमिकल सिग्नल कौन सा है, साइक्लिक एएमपी. रिसेप्टर क्या है, कार्बन. एग्रीगेशन के लिए एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए डिस्कॉइडम और डिस्कॉइड, इन चीजों को याद रखना जरूरी है. और फाइब्रोनेक्टिन लाइक कंपोनेंट्स आर देयर. और मूवमेंट कैसे होती है, बाय साइटोस्केलेटन रीअरेंजमेंट. हाउ मूवमेंट अकर, इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज डिसकंटिन्यूअस. कहां पर एग्रीगेशन होगा, कोई स्पेशल मिक्स अमीबा डोमिनेटिंग नहीं होता है, यह डिसाइड होता है कहां पर फर्स्टली स्ट्रेस आया है. सो दिस इज अबाउट द एग्रीगेशन. वंस एग्रीगेशन अकर, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ माउंड स्ट्रक्चर जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है. सो दिस इज द माउंड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड जिसमें 1 लाख के आसपास मिक्स अमीबा प्रेजेंट है. सो नाउ दिस मिक्स अमीबा दे अंडरगो द सम टाइप ऑफ चेंज एंड दे विल फॉर्म द स्ट्रक्चर लाइक दिस. दिस इज द स्ट्रक्चर कॉल्ड एज, अब इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनता है, इसे स्लग स्ट्रक्चर बन कहा जाता है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर्म कॉल्ड एज स्लग स्ट्रक्चर. वंस द स्लग स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, स्लग स्ट्रक्चर बना है. स्लग स्ट्रक्चर बनने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप आती है माइग्रेशन. माइग्रेशन यहां पर सिंगल मिक्स अमीबा का नहीं कहा जा रहा है. माइग्रेशन मीन्स द माइग्रेशन ऑफ ऑल द 1 लाख मिक्स अमीबा विद ईच अदर एज ए मल्टी सेलुलर कंपोनेंट माइग्रेट होना स्टार्ट होता है, जिसे माइग्रेशन कहा जाएगा. माइग्रेशन करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर जरूरी है, स्लग स्ट्रक्चर. जिस डायरेक्शन में माइग्रेट हो रहे इसके फ्रंट में जो भी सेल्स है इन्हें एंटीरियर सेल्स कहा जाएगा. दिस इज द एंटीरियर साइड एंड जो सेल्स बहुत पीछे है इन्हें पोस्टीरियर साइड कहा जाएगा. एंटीरियर साइड के कुछ सेल्स माइग्रेशन के लिए राह बनाते हैं, मेनली यहाँ पर वे बना रहे हैं बाय सिक्रेटिंग द सेलुलोज. cellulose secretion is done by them and they form the substratum through which it will migrate. किस डायरेक्शन में माइग्रेट कर रहा है, लाइट की डायरेक्शन में माइग्रेट कर रहा है, ह्यूमिडिटी के डायरेक्शन में माइग्रेट कर रहा है. सो माइग्रेशन अकर इन द डायरेक्शन ऑफ ह्यूमिडिटी, माइग्रेशन अकर इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, माइग्रेशन अकर इन द डायरेक्शन ऑफ द न्यूट्रिशंस. ओके, सो माइग्रेशन हो रहा है. सो देयर इज अ माइग्रेशन और किस डायरेक्शन में माइग्रेशन है, दिस इज अ स्लग स्ट्रक्चर व्हिच इज फॉर्म्ड. ये एंटीरियर साइड है, यहाँ पर पोस्टीरियर साइड है. अराउंड 1 लाख के आसपास सेल्स प्रेजेंट है और माइग्रेशन के दौरान एंटीरियर साइड के कुछ सेल्स सबस्ट्रेटम बनाने का भी काम कर रहे हैं. ड्यूरिंग माइग्रेशन देयर इज अ डिफरेंशिएशन. जो मिक्स अमीबा है इन्हें डिफरेंशिएट किया जाता है. जो अनडिफरेंशिएटेड मिक्स अमीबा है आगे चलकर दो तरह के मिक्स अमीबा में कन्वर्ट होना स्टार्ट होते हैं. दिस मिक्स अमीबा दे विल बी डिफरेंशिएटेड इनटू टू काइंड्स ऑफ मिक्स अमीबा, प्रीस्टॉक मिक्स अमीबा, प्रीस्टॉक सेल्स एंड प्रीस्पोर सेल्स. जैसे समझने के लिए यहाँ पर जो भी प्रीस्पोर सेल है इसे रेड कलर में ड्रॉ किया जाएगा. So these are the pre-spore cells differentiated. So differentiation will occur during the migration. और जो भी pre-spore cells है
अब यहां से मूव होना स्टार्ट होते हैं और मूव होकर पोस्टेरियर एंड में एक्यूमुलेट होते हैं। सो मेनली इस स्लग स्ट्रक्चर में जो प्री स्पोर सेल्स होते हैं, प्री स्पोर सेल्स दे विल बी अरेंज्ड इन द पोस्टेरियर एंड, और जो स्टॉक फॉर्मिंग सेल्स है प्री स्टॉक सेल्स एंटीरियर एंड में अरेंज होते हैं, दे विल मूव एंड दे विल गेट एग्रीगेट इन द एंटीरियर एंड ऑफ द स्लग। So how this differentiation is done, that we'll discuss in detail. But mainly, differentiation के लिए दो major component होते हैं, differentiation inducing factor 1, DIF 1 और cyclic EMP gradient. So cyclic EMP का gradient और DIF 1 के gradient के basis पर यहाँ पर differentiation होता है। किन type के cells में? Pre-stock cells और pre-spore cells. So these are the pre-spore cells और प्री स्टॉक सेल्स। हाउ डिफरेंशिएशन आकर, डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा स्लग के दौरान? डिफरेंशिएशन के लिए कौन प्री स्टॉक सेल बनेगा, प्री स्पोर सेल कौन बनेगा, यह कैसे डिसाइड होता है? जनरली जो सेल्स G2 फेज, अर्ली G2 फेज या S फेज, अर्ली S फेज के दौरान, अर्ली S फेज के दौरान स्ट्रेस सेंस करते हैं, स्ट्रेस सेंस करते हैं, सो these cells will have high calcium ion concentration will lead to the formation of pre-stalk cells. जो around 20% mix amoeba है pre-stalk cells में convert होते हैं, जिन्होंने stress sense किया था G2 और S phase में, और जो cells mid G2 phase या late G2 phase में stress sense करते हैं, these cells will have a low calcium ion concentration in them and they will be converted into pre-spore cells. This is one thing that we have to remember. और दूसरी चीज, mainly जो cells posterior end की तरफ होते हैं, okay, so जो pre-spore cells है जो posterior end की तरफ आकर aggregate होते हैं, और जो pre-stalk cells है anterior end की तरफ आकर aggregate होना start करते हैं। और एक चीज, जो cells प्रीस्पोर सेल में कन्वर्ट होना चाहते हैं और होने वाले हैं, इनके सरफेस साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर 3 होता है। दिस सेल्स इन फ्यूचर लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रीस्पोर सेल्स, प्रीस्पोर सेल्स बनेंगे, और जिन सेल्स को प्रीस्टॉक सेल्स में होना है, इनके सरफेस पर कार 2 रिसेप्टर होता है। दोनों रिसेप्टर एक्चुअली साइक्लिक एएमपी को रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन जब कार2 रिसेप्टर पर साइक्लिक एएमपी बाइंड होगा, यहाँ पर बीटा कैटेनिन का प्रोटेक्शन होता है, बीटा कैटेनिन विल बी प्रोटेक्टेड एंड इट विल वर्क लाइक अ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर जो कि फोर सेल स्पेसिफिक जीन्स एक्सप्रेस करता है। और कार2 रिसेप्टर पर साइक्लिक एएमपी बाइंड होने के बाद बीटा कैटेनिन डिग्रेड होगा, बीटा कैटेनिन डिग्रेडेशन लीड टू द रिप्रेशन ऑफ प्रीस्पोर स्पेसिफिक सेल्स, सॉरी प्रीस्पोर स्पेसिफिक जीन्स, बट बाय डिफॉल्ट यहाँ पर प्री स्टॉक स्पेसिफिक जीन्स का एक्सप्रेशन स्टार्ट होता है। बट किन सेल पर कार3 रिसेप्टर होगा या कार2 रिसेप्टर होगा, ये डिसाइड कौन करेगा? तो ऐसे कहा जाता है कि एक्चुअली द ग्रेडियंट ऑफ दैट इज अ DIF1 डिफरेंशिएशन इंड्यूसिंग फैक्टर 1 का ग्रेडियंट डिसाइड करेगा कौन से सेल्स पर कार1 रहेगा, सॉरी कार3 रहेगा, और कौन से सेल्स पर कार2 रहेगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द इनिशियल डिफरेंशिएशन, जो कि एक्चुअली डिफरेंशिएशन अभी पूरा नहीं हुआ है, प्रीकर्सर सेल्स बने, प्री स्पोर सेल्स एंड प्री स्टॉक सेल्स, 80% प्री स्पोर सेल्स, 20% प्री स्टॉक। अब स्लग माइग्रेशन कर रहा है, अल्टीमेटली इट विल रीच अप टू द प्लेस वेयर द कंडीशंस आर नॉर्मल। अब जो स्लग स्ट्रक्चर है, यह स्लग स्ट्रक्चर ऐसे जगह पर माइग्रेट हो चुका है जो कि नॉर्मल कंडीशंस है, नॉर्मल प्लेस पर माइग्रेट हो चुका है। ओके, इट इज थ्रू द सबस्ट्रेट। इसमें ऑलरेडी दो तरह के सेल्स डिफरेंशिएट हो चुके हैं। नाउ वंस इट विल माइग्रेट एट द पर्टिकुलर प्लेस, नॉर्मल साइट पर जब माइग्रेट करता है, नॉर्मल साइट पर माइग्रेट करने के बाद प्रीस्पोर सेल जो होते हैं स्प्रेड होना स्टार्ट करते हैं। सो दीज आर द प्रीस्पोर सेल्स, दे विल स्प्रेड, एंड जो प्रीस्टॉक सेल्स है, प्रीस्टॉक सेल्स दे विल राइज, ऐसा एक स्ट्रक्चर बनेगा,
प्री स्पोर सेल्स दे स्टार्ट टू स्प्रेड एंड प्री स्टॉक सेल्स दे स्टार्ट टू राइज दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर. सो दीज आर द सेल्स कॉल्ड एज प्री स्पोर सेल्स. और जो प्री स्टॉक सेल्स है एंटीरियर साइड में प्रेजेंट थे वह ग्राउंड से अब राइज होना स्टार्ट लिफ्ट होना स्टार्ट करते हैं. दिस सेल्स आर कॉल्ड एज प्री स्टॉक सेल्स एंड दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर. जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बना है दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मेक्सिकन हैट. सॉरी हैट लाइक स्ट्रक्चर मेक्सिकन हैट लाइक स्ट्रक्चर. फॉर्मेशन ऑफ मेक्सिकन हैट लाइक स्ट्रक्चर लीड टू द स्टार्ट ऑफ लास्ट स्टेप इन द सोशल लाइफ साइकिल दैट इज कल्मिनेशन. अब तक डिफरेंशिएशन हो चुका है लेकिन फाइनल डिफरेंशिएशन अभी तक नहीं हुआ है. डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुआ है. कल्मिनेशन के दौरान भी डिफरेंशिएशन कंटिन्यू होगा. जो माइग्रेशन के दौरान स्टार्ट हुआ था अब डिफरेंशिएशन कंटिन्यू होगा. इससे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि डिफरेंशिएशन इज मल्टी स्टेप प्रोसेस. कल्मिनेशन का मतलब क्या है? अब कुछ सेल्स जो एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होते हैं मेक्सिकन हैट के स्ट्रक्चर में ये पोस्टीरियर साइड है. कुछ सेल्स यहाँ पर अब एक ट्यूब बनाना स्टार्ट करते हैं. सो देर आर सम सेल्स दे स्टार्ट टू फॉर्म द ट्यूब. सो दिस इज द मेक्सिकन हैट लाइक स्ट्रक्चर टिप एंड दिस इज द बेस. बेस यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हो. ओके. और यहाँ पर जो सेल्स है इनमें और एक ट्यूब बनना स्टार्ट होते हैं ड्यू टू द सम सिग्नल्स दैट इज नॉट क्लियरली नोन. कुछ सिग्नल्स की वजह से यहाँ पर ट्यूब बनती है एंड दिस ट्यूब इज द वे थ्रू विच दी स्टॉक्सेस एंड दी स्पोर्सेस दे विल मूव. अब यहाँ पर ये जो सेल्स है ये प्री स्पोर सेल्स है जो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है. देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. मैक्सिकन हैट में अब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना जिससे प्री स्पोर सेल्स ऊपर की डायरेक्शन में माइग्रेट करना स्टार्ट करते हैं और प्री स्टॉक सेल्स जो है नीचे की डायरेक्शन में माइग्रेट करना स्टार्ट करते हैं. दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर लाइक दिस. कुछ सेल्स है जो बाकी कंपोनेंट बनाएगा जैसे कि टिप एरिया बनेगा. टिप एरिया के बाद यह स्पोरेंजियम बॉडी सोरस कहा जाता है. यह स्टॉक है. यहाँ पर कुछ कैप है लोअर कैप या अपर कैप. इनमें कुछ सेल्स है जो प्री स्पोर सेल्स से अब तक स्पोर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट नहीं हुए लेकिन कल्मिनेशन के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई. और जो बेसिक पार्ट होता है जैसा स्टॉक पार्ट स्टॉक के जो सेल्स है नीचे माइग्रेट कर कर डिफरेंशिएट होना स्टार्ट होते हैं. फाइनली दिस इज द बेस डिस्क. सो बेसल डिस्क बना स्टॉक बना. और यहाँ पर जो टिप एरिया है टिप एरिया के जस्ट बिनीथ यहाँ पर अपर कैप इज अ लोअर कैप. इन बिटवीन दैट जो प्री स्पोर सेल्स होते हैं अब स्पोर सेल्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट होते हैं. सो दीज आर दी स्पोर्स दे आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. यहाँ पर अब स्पोर्स बनना स्टार्ट होता है. स्पोर्स आर फाउंड. ओके. अब यहाँ पर जो फाइनल डिफरेंशिएशन है फाइनल डिफरेंशिएशन मीन्स कल्बिनेशन के बाद जो प्री स्पोर सेल्स स्पोरेंजिया में आएंगे उनसे स्पोर्स बनाना. और जो प्री स्टॉक सेल्स है जो लोअर साइड में माइग्रेट करेंगे इनसे स्टॉक बनाना. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फाइनल डिफरेंशिएशन. स्पोर्स और स्टॉक जो फाइनल डिफरेंशिएशन प्रोसेस है फाइनल डिफरेंशिएशन प्रोसेस इज मेडिएटेड बाय सम मोर सिग्नल्स. जैसे कुछ पर प्रोटीन्स हैं जैसे त्रिशंकु SDF1 SDF2 ऐसे कुछ सिग्नल्स हैं. त्रिशंकु और SDF1 जो है मेनली फाइनल डिफरेंशिएशन में काम करते हैं और जो स्टॉक फॉर्मेशन के लिए हेल्प करते हैं SDFN और त्रिशंकु. बट SDF2 जो है स्पोर फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है. इससे अलावा जो भी
अलग अलग सिग्नल्स है जो फाइनल डिफरेंशिएशन में काम करेंगे, एंड फाइनली एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनेगा जिसे कहा जाएगा प्रोटीन बॉडी। एंड दिस प्रोटीन बॉडी अंडरगो द डिहाइसेंस। ओके, डिफरेंशिएशन के दौरान डिस्कस किया साइक्लिक ईएमपी बनते थे जो जनरली एडेनाइलेट साइक्लेज बी से बनते थे। अब इसका डिहाइसेंस होगा, बर्स्ट होगा, बर्स्ट होकर स्पर्म्स सॉरी स्पोर्स जो है सॉइल में रिलीज होंगे। अब रिलीज होने के बाद यहां पर एडेनाइलेट साइक्लेज जी साइक्लिक एएमपी बनाना स्टार्ट करता है, विच इज एक्चुअली द सिग्नल रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन। अब इस जो स्पोर्स है जर्मिनेट होकर वापस नॉर्मल विजिटेटिव लाइफ साइकिल परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि माइग्रेशन हो चुका है नॉर्मल प्लेस तक। फाइनली जर्मिनेशन के लिए एडेनाइलेट साइक्लेज जी का फंक्शन जरूरी है और साइक्लिक एएमपी भी जरूरी होते हैं। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ डिक्टियोस्टीरियम डिस्काइडम, विच इज अ सोशल लाइफ साइकिल, विच इज गिवन इन द सिलेबस टू नो हाउ यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर ट्रांजिशन अकर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। ओके, सो इस लेक्चर में हमने दो मेजर टॉपिक्स डिस्कस किया है, आइलेंस इंडक्शन एंड द डिक्टियोस्टीरियम डिस्काइडम। आइलेंस इंडक्शन में सीरीज ऑफ इंडक्शन प्रोसेस, मेनली इंडक्शन कंसेप्ट को हमने समझा है, और डिक्टियोस्टीरियम डिस्काइडम में हमने यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर लाइफ फॉर्म कैसे बने हैं इवोल्यूशन के दौरान इसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन लिया है। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर एंड वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ड्रोसोफिला डेवलपमेंट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डेवलपमेंटल बायोलॉजी दैट इज एक्सिस डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। थैंक यू।